बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ ये है अरमला हसन और ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। कल आपने छुट्टी मनाई होगी, नाउ यू आर बैक टू वर्क। और ट्यूजडे का आज दिन है, आपको पता है ट्यूजडे, मुझे लगता है अभी वो हमें कल तो छुट्टी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को कल छुट्टी थी, उनके लिए वीक थोड़ा श्रिंक हो गया होगा। मतलब मंडे को जो मंडे ब्लूज होते हैं ना, वो माइनस करके तो आगे आहिस्ता आहिस्ता जो बैक आफ्टर यकुम मई, एक लंबा वीकेंड गुजारने के बाद लोग आ चुके हैं और वो सड़क पे हम वो जो शोर शराबा है, वो जो थ्रिल भी कह सकते हैं उसको अपनी जबान में, नहीं है भाई पता नहीं अब हम क्या करें। हम पाकिस्तानियों के पास में सोच रहा था कि एंटरटेनमेंट के मौके कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा हम खा लेते हैं और सो लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो रोड पे निकाल लेते हैं। एक और भी एंटरटेनमेंट है जिसका मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है, उसका मैं भी जिक्र नहीं करना चाहता, सुबह मायूस हो जाएंगे। अल्लाह हम सब के वसाइल जो है ना, हमारे मसाइल के बराबर कर दें, ये दुआ में कर सकता हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करूँ। अब इससे आगे बढ़ते हुए कुछ जो रईसी कसर है वो पिछले कुछ अरसे हमें क्लाइमेट चेंज ने थोड़ा सा परेशान किया हुआ है मुसलसल, और बारिशें वगैरह जब हो जाती हैं तो हम ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन कल हमने आपको फसलों के हवाले से अच्छी खबर दी थी, अब अच्छी खबर मौसम के हवाले से मुसलसल जारी है, वो ये है कि मौसम बदस्तूर काफी हद तक अच्छा ही चल रहा है, लेकिन बलोचिस्तान में कुछ अच्छे असरात नहीं है इस मौसम के, और बारिशों की वजह से, ये तमाम मामलात की वजह से दो बच्चों समेत पांच अफराद जहां बाहक भी हुए हैं। केपी में भी जो बारिशों का सिलसिला है वहां पर भी इस वजह से नुकसान हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुल्क का वेदर अच्छा है, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे हम बलोचिस्तान की बात करें वहां पर इस बारिश ने कुछ अच्छे असरात मुरतब नहीं किए, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस बारिश को आम लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजे और ये जहमत ना बने किसी भी तौर पे। अनफॉर्चुनेटली ये क्लाइमेट चेंज की जहां बात करें, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट तो कल जैसे हम गंदम की फसल के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसके वर्स्ट इंपैक्ट्स हैं जो आ रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जो ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस का शिकार है, और क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली हमारे पे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, तो उसके नुकसान हमें भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये पिक्चर अभी बाकी, अल्लाह करे सब खैर हो जी, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। इसके अलावा क्रिकेट अपडेट ये कि कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच होगा ऑन वेंसडे, प्रैक्टिस जारी है, टीम्स कराची में मौजूद हैं, क्या कराची का क्राउड आ पाएगा या नहीं ये भी एक इस वक्त का फोकस है। इसके अलावा हमने शो में कोशिश की है आज फिर कॉम्बिनेशन रखे बहुत सारे ऐसे मौजूदात का जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट तो पॉलिटिक्स होती है ना। आपने क्रिकेट की बात की, एक पॉइंट जो रिजवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे चौथे के बजे पहले नंबर पर खिला लिया करें, उनकी छोटी छोटी हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश में दम ले। रिजवान की सबसे खूबसूरत बात यह कि बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं और अच्छी अच्छी सपोर्ट बैटिंग में पाकिस्तान को दे रहे हैं। अब बाकी फैसला कप्तान का, इसलिए हम बहस नहीं करेंगे, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। जी बड़ी खबर में बात करेंगे इलेक्शन पर इत्तेफाक के राय के लिए, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो हतमी और फैसला कुन राउंड में दाखिल हो चुके हैं। मुज़ाकरात का जो पहला राउंड है उसके कुछ मस्बत असरात भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों जानिब से बड़ी बड़ी पेशरफ होने के दावे भी किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 70% जो है हमारे मुज़ाकरात वो कामयाब हो चुके हैं, दुआ है कि ऐसा ही हो, मगर दोनों जानिब से जो बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है ऐसा लगता नहीं है कि इलेक्शन पर इत्तफाक़ राय कायम हो सकेगा। आज मुज़ाकरात का तीसरा ओवर सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में शुरू होना था, लेकिन इसका वक्त तब्दील करके रात 9 बजे कर दिया गया। राय कह रहे हैं मसरूफ है, जो फवाद साहब कह रहे हैं कि 70% कामयाबी हुई है, ये वो रिश्ता ना होना जिसमें एक ने कहा था कि 50% हाँ हो गई है, उसने कहा कैसे, उसने कहा मेरी तरफ से हो गई है, लड़की की तरफ से बाकी है। ये वही बात है, पीटीआई की तरफ से हाँ हो गई है इलेक्शन पे और पीडीएम की तरफ से बाकी कहीं यही ना हो। खैर जरा ये बताते जी, आज ब्रेक थ्रू हो सकता है, कल शाह महमूद साहब भी हमारे शो में आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मस्बत पेशरफ्त हो रही है, अगस्त या सितंबर के शुरू में इंतखाबात पर इत्तेफाक हो सकता है। लेट मी रिपीट, अगस्त या सितंबर के शुरू में इंतखाबात पर इत्तेफाक हो सकता है। कल दो के इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म की स्पीच की लिबर्टी लाहौर में, उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत को वाज़े पैगाम दिया और कहा कि 14 मई तक कौमी असम्बली तोड़ें तो एक साथ इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने अपनी मुज़ाकराती टीम को भी दो टोक हिदायत कर दी कि हुकूमत को आज कह दें 14 मई तक असेंबली तोड़ें, नहीं तोड़ते तो मजीद मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, लेकिन पीडीएम का इरादा कुछ और है। उन्होंने हुकूमत और उनके हैंडलर्स को खबरदार किया है कि अगर आप समझते हैं कि सितंबर में इलेक्शन होगा तो ये आपकी भूल है, हम किसी झांसे में नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून की हुक्मरानी कराएंगे, आइन तोड़ा या जजेस के खिलाफ कुछ किया तो सड़कों पर निकलेंगे। दूसरी जानिब नून लीग के जो सीनियर रहनुमा है नून लीग की, उसमें मरियम नवाज साहिबा हों, ख्वाजा आसिफ हों, रारा सनाउल्ला हों, मियाँ जावेद लतीफ़ हों,
पीटीआई से मुज़ाकरात की भरपूर मुखालफत कर रहे हैं और कहते हैं कि मुज़ाकरात में कोई जो कह लें ना ये इसका सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हुज्जत है, ये हुज्जत है और इसके कोई असर नहीं निकलेगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारा सारा जो रौला है वो सितंबर का है और सियासतदान मुज़ाकरात का खेल खेलते रहते हैं। दूसरी जाने मरियम नवाज साहब ने वैसे सॉरी टू कट यू, कैसी किस्मत है ना पाकिस्तान की, कभी सारा रौला नवंबर का होता है, कभी सितंबर का होता है। तो पिछले साल नवंबर का था, अभी चीफ तब्दील होने थे, अब सितंबर का है चीफ जस्ट। कर क्या रहे हैं सियासतदान हमारे। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है कि आपको मुंतखब नुमाइंदों का फैसला मानना पड़ेगा और पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी। जनाब मुज़ाकरात का जो फाइनल राउंड है, इससे पहले फरीकैन की जानिब से जो बयानबाजी और तासुरात हैं, इससे हमें तो कुछ 70% का खदशा फवाद चौधरी साहब नहीं लगता, लेकिन आप कह रहे हैं तो चले मान लेते हैं। सीनियर आदमी आप, बज़ाहिर लग रहा है कि मस्बत नतज की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़, मस्बत नतज से मुराद अगर इंतबात जल्दी होना है जो तहरीक इंसाफ की तवक्को है तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ इमरान मीर साहब मौजूद है, सीनियर सहाफी और तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ अपना यू हैव समथिंग। बिल्कुल, हम इमरान मीर साहब से ही गुफ्तगू करते हैं, सवाल उनके लिए रख देते हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये जो सारी सूरत हाल हमारे सामने है और इसका जो आज फाइनल राउंड हम कहें मुज़ाकरात का, तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये जो बयानबाजी है इस मुज़ाकरात के दौरान जो दोनों जमातों की जानिब से आ रही है, पीडीएम इत्तेहाद हो या तहरीक इंसाफ हो, आपको लगता है कि इन मुज़ाकरात के अंदर वो सीरियसनेस है जिसकी वजह से ये जो इसका कोई नतीजा खेज एक अमल जो है इसको सामने आएगा, या फिर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको किया जा रहा है? देखिए, हम बुनियादी तौर पे दो बातें समझ लें कि टारगेट्स क्या है दोनों तरफ से ना। देखिए ना, मुज़ाकरात है, एक फरीक है, उसकी टारगेट, उसका टारगेट ये है कि ये फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए। पीटीआई का टारगेट ये है कि फौरी तौर पे हम इनसे इलेक्शन ले लें, एक तरफ होगी ये बात। अब दूसरी तरफ हुक्मरान जमात है, उनके साथ बाकी जमातें हैं, पीटीएम है, उनका टारगेट ये है कि इनको किसी तरह से ताखीर पे लेके जाया जाए। देखिए, जाहिर है वो मुंह से तो ये नहीं कह सकेंगे कि हम तो ऐसे खिलाफ आइन या कानून ऐसी बात करें, लेकिन बहरहाल उनका टारगेट ये नजर आता है कि इसको कम अज कम अक्टूबर में लेके जाया जाए। अच्छा, अब ये दोनों के अहदाफ बड़े वाजे हैं। अच्छा, अब ये इमरान ने अभी ये बात की यहाँ पे कि वो 70% फवाद चौधरी साहब ने कहा, ये बिल्कुल, ये इमरान ने सही मिसाल दे दी इसमें, वो 70% वाली वही है, वो लड़के की तरफ से कह ले वो हाँ है और बाकी अपनी लड़की वाले नहीं मान रहे। वो इसलिए कि देखें, दोनों के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा है और ये जो हमारी सियासत है ना, ये जब ये तकर्रियों के इर्द गिर्द घूमने से रुक जाएगी ना, इस मुल्क में भी सुकून आ जाएगा, इस मुल्क में भी कहीं हम सिमत में लग जाएंगे, अवाम भी जो है वो आईन और कानून की तरफ देखना शुरू करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी सारी सियासत, चाहे वो हुकूमत की हो चाहे अपोजिशन की हो, वो कुछ खास तकर्रियों के गिर्द घूमती है। हमने देखा, एक तमाशा लगा हुआ था पिछले साल जब 2022 में हमने देखा, अप्रैल से शुरू हुआ और नवंबर तक, 29 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री होनी थी और क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या रैलियां नहीं निकली, जलसे निकले, लॉन्ग मार्च हुए और कहा ये तकर्री हम किसी सूरत नहीं होने देंगे, उनकी पसंद की नहीं होने देंगे, वो कौन होते हैं वो तकर्री कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है जब गवर्नमेंट में है और क्या ऐसा रास्ता है कि उनको आप रोक सकें कि वो तकर्री ना करें, और अल्टीमेटली वो तकर्री भी हो गई, वो तकर्री भी हो गई। ठीक है इमरान भाई, एक बड़ा अहम नुक्ता है इस पे। 2018 के इंतखाबात से भी पहले आपको याद होगा कि कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात होती रही, मुज़ाकरात भी होते रहे, वफूद भी मिलते रहे, फिर कुछ डेवलपमेंट भी हुई उसके ऊपर, एंड फिर बीच में जो है ना, वो पहले 2013 को आरओस का इलेक्शन कहा गया, फिर इसमें आरटीएस बैठ गया 2018 में, और मुसलसल फिर भी तहरीक इंसाफ ने ये हुकूमत में होते हुए कहा जी कि हम इलेक्शन के ऊपर पेशरफ्त करेंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जानिब जाएंगे। अब जब इलेक्शन की भरपूर बात हो रही है, अब तो ये है ही इलेक्शन का साल, अभी हो या 4 महीने या 3 महीने बाद में इलेक्शंस तो होने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बात नहीं है। इनकेस किसी भी कहने पे इमरान मीर साहब, अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो आपके ख्याल में ये साफ शफाफ इंतखाबात होंगे पाकिस्तान की तारीख के, जिसमें सब मुत्तफिक होंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स तो नहीं हुई?
अच्छा इस पे दो बातें हैं। मैं गुज़िश्ता एक साल से कह रहा हूँ, जब खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हो, फौरी हो, पिछले एक साल से उनका मुतालबा था, मैं तब से ये इस पे कह भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ कि देखें वही इलेक्शन कमीशन है, वही निज़ाम है आपके पास, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं है, मर्दमशुमारी के भी झगड़े हैं, हल्काबंदियों के भी झगड़े हैं, तो इंतखाबात को बाद में कौन शफाफ मानेगा, कौन होगा? क्योंकि देखें कहीं भी अगर इसके अंदर गड़बड़ होगी तो जाहिर है एक फरीक नहीं मानेगा। अब इमरान खान साहब का इस वक्त मामला यह है कि वो ज़हनी सतह पे अपने आप को दो तिहाई या इससे भी ज़ायद अक्सरियत वो अपने जहन में दिला के बैठे हुए हैं। अब उनकी पार्टी को जाहिर है जब इलेक्शन में जाते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है, अभी तो जाहिर है सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो वो एक वेव लगती है, उसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक उनका तरीकाकार है, एक ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, उनके उनके पास जैसे मैं कहता हूँ कि बाकी पार्टियों को उन्होंने पिछाड़ दिया पीछे, वो इस जदीद मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में बाकी पार्टियों को वो उस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो यूज करने नहीं आते जो पीटीआई में बड़े अच्छे तरीके से, यानी ये उनकी पॉजिटिव चीज है कि उन्होंने जदीद टूल्स को इस जदीद दौर के मुताबिक उन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने मात दी है। क्या है इसमें उनको मानना चाहिए, बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए दूसरी जमातों को कि वो उनके मुकाबले में आ सके, और वो उसके बल बोते पे भी, और ओवरऑल जाहिर है जो नैरेटिव चूंकि इसी सारे उसके जरिए बिल्ड होता है तो वो इनके लीड ले गए हैं, और अब उनकी पॉपुलैरिटी के मुकाबले में इसमें तो कोई शुभ नहीं, हमें इसमें कहने में कोई आर नहीं होनी चाहिए, तो उनकी पॉपुलैरिटी बाकी जमातों के मुकाबले में बहुत आगे है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं आ रही इस वक्त। अब जब इलेक्शन होंगे, जब इलेक्शन का माहौल बनेगा, अगर उनके लीडरशिप वापस आती है, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, वो किस तरह से आएंगे, उनको मुकदमात का भी सामना है, उस वक्त जाके क्या माहौल बनता है वो प्लस माइनस होता है, जाहिर है हर इलेक्शन में प्लस माइनस होता है। अच्छा मैम साहब, यहाँ पे एक और सवाल, कल खान साहब की रैली से जो उन्होंने बड़ा खिताब किया और उसमें उन्होंने बहुत सख्त बातें भी की, एक तरफ तो मुजाकरात चल रहे हैं और हमने पहले भी मैंने अपने सवाल में ही कहा कि स्टेटमेंट से बजाय लग नहीं रहा जिस तरह की सीरियसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है, और कल खान साहब ने कहा कि इलेक्शन जो इकट्ठा इलेक्शन कराना है तो उसे 14 मई से पहले तमाम असेंबलियां तोड़नी पड़ेंगी, और ये किसी गलत फहमी में ना रहे कि ये सितंबर तक इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, तो इतने क्लियर स्टांस के बावजूद खान साहब या उनकी ये दीगर लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों जानिब से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आए और ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएं? देखिए मैंने कहा ना दो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं जिसके ऊपर, देखिए इसको इस तरह से अगर ले लें कि हुक्मरान जमात हैं वो पागल हैं कि वो इलेक्शन कराएंगे अर्ली जब सूट भी नहीं करता, ठीक है, और फिर जब ये खान साहब ये भी कहते हैं कि उनके हैंडलर्स, तो मैं कहता हूँ उनके हैंडलर्स को भी सूट नहीं करता शायद, अभी ये सारे पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी, यहाँ तक लेके आने की क्या जरूरत थी ये सारी चीजें, तो शायद ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं उसमें बहुत सारी कबाहतें भी हैं, जाहिर है जब आप एक उस पर नहीं कराते या बारगी में इलेक्शन नहीं कराते तो उसके अंदर भी कई कबाहतें हैं। लेकिन कत कलामी की माजत, ये कोई इतना आसान भी तो नहीं है ना, फिर दूसरी तरफ आप देखें हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया जमान पार्क को फतह करने में, पिछली रात को जो परवेज इलाही साहब है उनके घर पे पुलिस की कितना बड़ा रेड हुआ, फिर रात को हमने देखा उनका जो गुजरात में घर है उस पर रेड हुआ, परवेज इलाही साहब नहीं मिले, हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जो टॉप लीडरशिप है उसको पकड़ा जाए, उसको अंदर किया जाए, इमरान खान साहब सरे फहरिस्त हैं, नहीं कर पाए, तो उनको अपनी स्ट्रीट स्ट्रेंथ का भी पता है, तो कल उन्होंने कहा कि अगर आप आइन तोड़ेंगे या इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाएंगे हम आपसे करवा के दिखाएंगे, एंड समहाउ दे कैन डू इट, क्योंकि ट्रेलर तो वो दिखा चुके हैं, तो हुकूमत को किस चीज का गुमान है फिर? देखें एक पार्टी को गुमान है वो इस्लामाबाद में अदालतों की तरफ देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो जनाब वहां से कुछ चीजें आए। अच्छा देखें अब हुआ क्या है कि चीजों की शफाफियत पे तो सवाल तो है बहुत ज्यादा, इस वक्त अदलिया की शफाफियत पे भी सवाल है, विद इन उनके सिस्टम बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, उनके अंदर जजेस के अंदर भी देखें आप मामलात को, इतना सादा नहीं है इतना, और जब हम ये देखते हैं जब बहुत सारी चले ठीक है हम उनको बहुत सारी चीजों को जो ऑडियोज आ रही हैं जो जजेस हैं जो सबक जजेस हैं उनके बारे में आ रही हैं जो हाजिर सर्विस है उनके बारे में भी आ रही हैं चले हम उनको एक साइड पे रखते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि शफाफियत पे सवाल तो उठता है ना, मैं और आप सवाल तो उठाएंगे कि भाई ये क्या तमाशा लग रहा है कि वो लोग जो कभी चीफ जस्टिस थे और उनके ऊपर ये इल्जाम भी है कि उन्होंने एक पार्टी की साइड लेते हुए उस वक्त हमें निशाना बनाया और आज वो उसी पार्टी के साथ खड़े हैं और उनके बेटे के भी बहुत सारे मामलात आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो शफाफियत पर तो सवाल है। और ये जो तकर्रियों की बात हमने शुरू में छेड़ी आप उसको जोड़ के देख लें, 9 सितंबर को शायद जा रहे हैं आरिफ अलवी साहब, ठीक है ये भी एक आईनी
एक उदा है ऐसा कि जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे बिल्स और बहुत सारी चीजें जो पार्लियामेंट से पास होकर जाती हैं तो वो हमारे आइन के अंदर एक तकाजा है कि सदर मुमलकत ने उसके ऊपर दस्तखत करने होते हैं, तो बहुत सारी चीजें सदर साहब ने रोकी हैं, तो जाहिर है उनको भी इंतजार है कि हमने बहुत सारी चीजें जो ऐसी करना चाहते हैं, ऐसे जो रूल्स और प्रोसीजर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें ये वाली रुकावट वहां से ना हो, उस चीज का भी इंतजार करेंगे वो। 16 सितंबर को बंदयाल साहब की रिटायरमेंट है, तो जाहिर है वो ये चाहेंगे कि जब एक उनकी नजर में जो पीडीएम की जमात है उनकी नजर में जब होस्टाइल उनके वो चीफ जस्टिस साहब, यही तो बदकिस्मती है। अच्छा अब इदारों को हम अब इदार साहब एक और बात पे एक और बात वाजे कीजिएगा, तजिया कीजिएगा कि आपको क्या लगता है अगर सितंबर तक प्रोलॉन्ग करना चाहे पीडीएम जैसी फिल वक्त मुआशी सूरत हाल है या फिल वक्त एक चैलेंज का सामना है और शदीद चैलेंज का सामना है पीडीएम गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, क्या शहबाज शरीफ एंड गवर्नमेंट इसको सितंबर तक प्रोलॉन्ग कर सकती है? डू दे हैव दिस कैपेसिटी सीइंग द करंट सिचुएशन? मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज से कोई चीज रोक सकेगी। देखिये अच्छा। दो चीजें, जरदारी साहब के दौर में मैं इसके ऊपर पहले भी कह चुका हूं कि हमने ये तमाशा देख लिया कि इस मुल्क में जब एग्जीक्यूटिव डट जाए किसी चीज पे और वो इंप्लीमेंट ना करना चाहे, और हम भी जानते हैं कि जब उनके पीछे भी ये जब हुकूमतें खड़ी होती हैं तो उनके पीछे भी जो सपोर्ट चाहिए होती है जिसकी तरफ बार बार खान साहब भी इशारा करते हैं, जब वो उनके पीछे साथ में खड़े हों तो फिर आप अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे इंप्लीमेंट कराना भी इस मुल्क में मुश्किल है। वो कैसे है कि उसके अंदर बहुत सारे नुकात निकाले जाएंगे ना, वो ऐसे नहीं कहा जाता इस सामने आके ये नहीं कहा जाता कि ठीक है हम आपका ऑर्डर्स भी आपका ऑर्डर नहीं मानते। सरदारी साहब के दौर में उनको कहा कि स्विस हुकूमत को खत लिखे, उन्होंने कहा जी अच्छा लिखते हैं, पहले तो पेशियों में 2-3 महीने उन्होंने गुजारे, करते हैं जब वो बिल्कुल नुकता अरूज पहुंच गया उन्होंने कहा जी आज नहीं करेंगे तो हम आपको हटा देंगे, उन्होंने कहा जी हटा दें, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की कुर्बानी दे दी वहां उस वक्त, उन्होंने कहा जी दूसरा ले आए और राजा परवेज अशरफ को ले आए, तो उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? अल्टीमेटली जो उनका टारगेट था खत नहीं लिखना था और वो टाइम बार हो गई और वो हो गई। यहाँ भी यही है कि इसको लंबा किया जाएगा, जो मेरी ख्याल में इसको लंबा किया जाएगा किसी न किसी बहाने से, आपने देना भी है कुर्बानी वो दे देंगे एक आध की फिर उनके, लेकिन उनको किसी तरह से ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इलेक्शन करा दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई हाथ में ऐसा कोई डंडा या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके जरिए से वो इदारों को कान से पकड़ के कहें आप फंड दे दें, आप सिक्योरिटी दे दें, आप ये दे दें और जाके इलेक्शन करा दें, ऐसा कोई निजाम नहीं होता है। इखलाकी एक ऑर्डर्स होते हैं जो देते हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने उसके स्पिरिट में अमल करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा इमरान मीर साहब, अगर आज के मुज़ाकरात जिसका टाइम भी तब्दील किया गया है, पहले 11 बजे था फिर 9 बजे उसको किया गया है, ऑब्वियसली कोई रीज़न जो बताई गई है आपके मुताबिक तो वही होनी चाहिए हम सब के मुताबिक इनफैक्ट, लेकिन अगर आज के मुज़ाकरात के अंदर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता है तो आपको लगता है कि इसका नुकसान है या कोई गेन ही है, चाहे वो तरीके इंसाफ हो या पीडीएम इत्तेहाद हो? नहीं देखिये नुकसान देखे गवर्नमेंट को, मैं तो इस चीज को बिल्कुल, मेरा तजिया तो बड़ा क्लियर है इस पे कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि वो इनको अर्ली इलेक्शन दे रहे हैं, ठीक है ये तो बिल्कुल क्लियर है, मैं तो इस पे मुझे तो कोई भाव नहीं है। गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इनको अर्ली इलेक्शन दे दे और इनकी मर्जी के टाइम पे जाके वो इनका सारा करा दे, इनकी मान ले बात, तो वो नहीं मानेंगे इस चीज पे, तो जाहिर है ब्रेकअप यही होगा कि जनाब नहीं है। आपके शेख रशीद साहब के ख्याल बहुत मिलते जुलते हैं, कल उन्होंने भी यही बात की कि नहीं मिलेंगे इलेक्शन, अल्लाह रहम करे, लेकिन बहरहाल वो इस नुक्ते में बड़ा क्लियर हूँ कि ये नहीं होना। और खान साहब के पास देखे ऑप्शन क्या, खान साहब की डे वन से स्ट्रेंथ एक ही है कि अवामी कुव्वत उनके पास है, अब वो उस अवामी कुव्वत को किस तरह से मटेरियलाइज करके किस तरह से ये प्रेशर डाल के घुटने टेकने पे मजबूर कर दें। इमरान साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हमने शेख साहब ने किया तो शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शेख साहब आपका जिक्र खैर अभी कुछ लम्हे पहले हुआ और आपसे हमारा रब्ता हो गया, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं शेख साहब? सुबह सुबह ही सुबह मेरे से ही पर्चा लेना था मैं हाल बस ये देख लें, फिर हम आपको किसी ना किसी सूरत में चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं। शेख साहब हम डिस्कस कर रहे थे कि आज तकरीबन आखिरी राउंड सेमीफाइनल भी कह सकते हैं इसको खेला जा रहा है और आप की जो कोलेशन पार्टनर्स हैं पीटीआई वो तो कह रहे हैं कि 70% हम मुत्तफिक है, तो क्या ये सिर्फ तहरीके इंसाफ की तरफ से ही हाँ है या दूसरी तरफ से भी हुई है? अभी देखे दूसरी तरफ बदनीयती है, वो इलेक्शन में कहाँ जाएंगे जी, किसके पास जाएंगे, वोटें उनकी तो दूर में चली गई हैं और वो नवाज शरीफ साहब का कहते हैं भाई किसने उनको रोका है,
मारी और फरारी सब जाली करने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर है उनका भाई, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास हर चीज है, वो आए सियासत में, ये दिन है। और मैं एक महीने से कह रहा हूँ कि मई अहम महीना है, 8-10 तारीख से ये जोडो कराटे जो है या शुरू हो जाएंगे या आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। मई महीना, मैं एक महीने से रो रहा हूँ कि सियासत में बहुत अहम महीना है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इलेक्शन की डेट का, वो कायम है। ये सारी बातें जो हैं इनको भी समझ, जो जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हैरत हो रही है। परवेज इलाही के घर जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी दाखिल की इन्होंने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी वहीं रहता है और 3 दफा चीफ मिनिस्टर, तो फिर आम घर हमारे यहाँ फौरी हमें नोटिस वसूल हो गया है कि हमने 4 तारीख को पेश होना है लाल हवेली के लिए, एक्शन करनी है। पंगे ले रहे हैं फजूल, हमारी अपनी 3.5-4 मरले की जगह है। और ये जो कुछ कर रहे हैं आप देखे ना, इस मुल्क का वजीर आजम कहता है, कौन ले रहा है शेख साहब असल में पंगे, कौन ले रहा है? हुकूमत तो ऑन नहीं करती इन छापों को। राणा सनाउल्लाह तो कहते हैं हमने नहीं करवाए। हसास अदारों को खुश आयंद बात है, ये शिद्दत से एहसास है कि ये अब सियासत नहीं रियासत का मसला है और कोई भी आंखें बंद नहीं कर सकता। सो मई में महीने में फैसले होने हैं, इधर होना है या उधर होना है। आप देखे ना, जब शहबाज शरीफ हलफ के साथ ही कहता है कि मैं 3 जजों को ही नहीं मानता, तो ये सिविल नाफरमानी नहीं है तो क्या है? बिलावल कहता है कि इनको इस्तेकाक कमेटी में आज पेश किया जाए, आज इस्तेकाक कमेटी है, इन जजेस को पेश किया जाए। यानी ये ऐसे ही है कि थाना टिब्बी का SHO कहता है कि जनाब अली फलाने मुल्ज़िम को पेश किया जाए। हाँ, लेकिन आपने कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कहा कि इलेक्शन नहीं देंगे, हमें इलेक्शन लेने पड़ेंगे और हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। तो सड़कों पे तो आप, इससे पहले जो लॉन्ग मार्च हुआ था वो कोई खास कामयाब लॉन्ग मार्च नहीं रहा था, तो इसमें आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी इस हुकूमत में, जब आप पंजाब भी छोड़ चुके हैं और KPP का शो कामयाब था, हमारा लाल हवेली का शो कामयाब था। जो हमारी जितनी ताकत है, लोगों की राय आमा एक अलहदा चीज होती है और लोगों का प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करना एक अलहदा चीज होती है। ये इलेक्शन 1-साइडेड है, एक साल में इन्होंने जो कुछ सोचा था वो उलट हो गया है। IMF ने भी झंडी करा दी है। कोई चीज तो बताए ना कि ये, मैं नहीं कह रहा, इनका अपना वजीर कह रहा है कि 84 अरब रुपए से 20 अरब रुपए इन्होंने टांका लगा दिया। पहले तो इसकी तहकीक करें ना और सारे काम छोड़ें कि एक प्राइम मिनिस्टर जो शख्स रहता है वो कहता है इन्होंने 20 अरब रुपए गबन किए हैं आटे में, और आज भी उसने फिर कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूं कि इन्होंने 20 अरब रुपए रमजान शरीफ के महीने में नहीं बख्शा लोगों को। तो फिर कहाँ जाएंगे लोग जी, लोग मर जाएं। सिर्फ थट्टा में 41 आदमियों ने पिछले महीने खुदकुशी की है। हमारे मोहल्लों और गलियों में हालात इतने खराब हैं कि लोग अगर खुदकुशी करते हैं तो बताते नहीं हैं, कहते हैं कि जी हार्ट अटैक हुआ। अच्छा शेख साहब, बिल्कुल आखिर में टाइम खत्म हो रहा है, कोई मशवरा दिया है आपने जो 3 रुकनी कमेटी है, फवाद साहब, शाह साहब और अली जफर साहब, कोई आपकी तरफ से कोई मशवरा है? मशवरा नहीं दिया जी, वो जहर है इमरान खान के मशवरे उनको होंगे, मैंने किसी को कोई मशवरा नहीं दिया। अगर हो तो क्या हो सकता है, हमारे थ्रू दे दें कोई मशवरा? भाई कोई यही हो सकता है कि अगर निकल आए मुज़ाकरात, खुदा करे कामयाब हो जाएं, जो कि नहीं होने, ठीक तो है। मेरा मतलब है उनकी नीयत बता रही है, उनका ना वोटर है ना सपोर्टर है ना पोलिंग एजेंट है ना उनका कोई माहौल है इलेक्शन का, तो क्या होना है फिर? तो जोड़ो कराटे ही होने हैं ना। मई है महीना, मैं 1 महीना 2 महीने पहले से कह रहा हूँ कि मई है मई, ठीक है, जोड़ो कराटे ही होने। थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो PTI और PDM के मुजाकरात जारी है उस पर तज्जिया दे रहे थे शेख साहब, के मुताबिक मुजाकरात कामयाब नहीं होने क्योंकि PDM के इस हवाले से कोई नीयत अच्छी नहीं है। इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, आपसे जरा, आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या कॉमेंट देंगे आप? उनके मुताबिक तो ये मुजाकरात कामयाब नहीं होंगे। देखें शेख साहब, जाहिर है चूंकि एक सियासतदान है, हम तो सियासतदान नहीं है, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। शेख साहब आपको पता है खबरों में रहते हैं, वो इस तरह की तारीखें देते रहते हैं और पिछले साल से तारीखें हम उनकी सुन रहे हैं हर महीने, और जूडो कराटे होंगे, ये होगा। जब तकरीर थी उस नवंबर वाली, उससे पहले भी बहुत सारी उन्होंने तारीखें दी, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, उन्होंने ये भी कहा था कि आदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, मेरे से लिख के रख लें, लिख के रख लें, लिख के रख लें, लेकिन हमने देखा वो हो गई। तो सियासी बातें जाहिर है, जब एक पार्टी की आप साइड पे खड़े हो तो आपको यही करनी चाहिए, शायद इसी तरह की करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखें ना, यहाँ भी हम, मैं एक बात कहूँ कि बार बार हमारी सारी जमातें देखें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, ये रियलिटी है हमारे मुल्क की कि सारी जमातें उधर की तरफ देखती हैं, यानी ऑपोजिशन भी उधर ही देखती है, जो हुकूमत में जमातें हैं
वो भी अगर वो टेढ़ रही है या तड़ी लगा रही है किसी को, तो वो भी उनके सर पे लगा रही है। ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट में अपने पावर पे इतनी सख्त नहीं है कि वो ये बाहर सह सकें और ये वो सुप्रीम कोर्ट के साथ इस तरह से जाके ये पंगा ले सकें। जाहिर है कहीं ना कहीं मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये अभी इलेक्शन नहीं कराने। हमने ये देखा बहुत सारी बातें खुल गई है, चीफ जस्टिस साहब से जाके मतलब वहां हमारी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग जाके मिले हैं, जाहिर है वहां पे क्या गुफ्तगू हुई। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपने ताई अगर कर भी रही है तो अपने ताई नहीं कर रही, कहीं ना कहीं उसको बैकअप सपोर्ट मौजूद। ठीक है इमरान मीर साहब, ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, पहली दफा आप एक्सप्रेसो में तशरीफ, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है दोबारा भी आपसे बातचीत होती रहेगी। सीनियर सहाफी और तजियाकार इमरान मीर साहब अपना तजिया मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रख रहे थे। जोड़ो काटे कब होती हमें नहीं पता, लेकिन शेख साहब ने कहा कि इस फैसला सड़कों पर होगा, शेख साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं, तमाम इमरान मीर साहब का कहना है कि इट्स अ सियासी स्टेटमेंट, सो इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, उम्मीद है आप हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत पे तो हमने बात की, अब जिस मसले पे हम बात करें ये मेरे नज़दीक बतौर पाकिस्तानी और सहाफ़ी सबसे अहम मसला है, और वो आबादी का है। जो पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है इस वक्त दुनिया में, आबादी के लिहाज से हम पाँचवें बड़े मुल्क पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर पहली दफ़ा डिजिटल मरदमशुमारी जारी है अब भी, और इस पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, ख़ासतौर पर कराची को लेकर। यकुम मार्च से शुरू होने वाले सिलसिले में एक माह के अंदर अंदर नतज आने थे, मगर तोसी के बाद तोसी ऐसा है कि जो टाइम लाइन है वो बढ़ती चली गई, और अब एक मुश्किल सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई है जब इसकी जो डिजिट्स आ रहे हैं, जो स्टैट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर एतराज़ात मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, जो तहफ़ुज़ात हैं उसका सिलसिला जारी है। बिल्कुल, शहरे कायद में इस हवाले से पहले दिन से सियासी भौंचाल है, और तमाम सियासी जमातें, हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों मरदमशुमारी पर शोर करती नजर आ रही हैं। इनकम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आबादी को कम या ज्यादा नहीं दुरुस्त गिना जाए, 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों में नाइंसाफी होती आ रही है, रियासत के एक एक फर्द को गिनना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है, अगर हम जद्दोजहद ना करते तो कराची में मरदमशुमारी 1,43,00,000 आबादी के साथ खत्म हो चुकी होती, और एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिशों से कराची की आबादी अब तक 30,00,000 बढ़ चुकी है। कराची के आवाम से अपील करते हैं कि जिन अफराद को नहीं गिना गया वो खुद को मरदमशुमारी में गिनवाएं, और मुस्तफ़ा कमाल ने भी इस हवाले से कहा है कि अजीब बात है कि हमें अपने आप को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इसके हमारे लिए कोई मुराद भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ एक बेसिक जो एक डिमांड है कि मुल्क का जो हर शहरी है या सिंध का हर शहरी है उसको गिना जाए, क्योंकि पहली बार जो डिजिटल मरदमशुमारी वो होने जा रही है। इसी हवाले से हम अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं। हाफिज नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनालिटीज कराची के मसाइल को लेकर, उनके पास कराची का बहुत भारी मैंडेट भी है, कराची के लोग बहुत हद तक पसंद भी करते हैं जमात इस्लामी को, जो हमने मौजूदा बलदियाती इंतखाब देखा, और ये बड़े आम स्टेक होल्डर हैं, तो हमने कहा कि हम हाफिज साहब की जरा राय लेते हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर, उम्मीद है आप खैरियत से। ये बड़ा अहम मसला है, और मैं समझता हूं कि जितनी जमातें भी इस हवाले से तहफ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं या आवाज़ उठा रही हैं वो ठीक कर रही हैं, अब इसमें हमने सोल्यूशन की बात करनी है, तो सॉल्विंग द इशू जमात इस्लामी की एक अच्छी रवायत है कि वो बात करने पे यकीन रखते हैं, आप लोग बात करते हैं, एमकेएम के साथ क्यों नहीं बात हो सकती इसके ऊपर, और अगर हो रही है तो वो किस नहज पर हो रही है, किस मसले को हल किया जाए, कोई हल निकले, वक्त बड़ा कम है इंतखाबात के अंदर। देखें, बात तो सबसे हुई है ना, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाई, मैं खुद वहां शरीक था, उसमें एमक्यूएम के दोस्त भी थे जो जूम पे थे, इसमें पीपल्स पार्टी भी थी, खुद मुराद अली शाह साहब जूम मीटिंग पे शरीक थे, उनके वज़रा भी थे, और सबने अपनी अपनी बात की। हमारी बहुत सादा सी बात है, और वो ये है, और हमने आपने देखा परसों अवामी सतह पर एक जमहूरी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, और वो इसलिए किया कि बड़ी ज्यादती हो रही है और उस पर आवाज उठाना भी जरूरी है, वरना तो बातचीत से तो सारे मसले हल होते भी नहीं है। लेकिन हुकूमत ये समझ लें कि हुकूमत में शामिल हैं इस वक्त नून लीग, हुकूमत में शामिल है इस वक्त पीपल्स पार्टी, हुकूमत में शामिल है इस वक्त एमक्यूएम, हुकूमत में शामिल है जेयूआई वगैरह, ठीक है, ये सब लोग हुकूमत का हिस्सा है। जो हुकूमत का हिस्सा है वो एहतजाज किससे कर रहे हैं, वो सवाल किससे कर रहे हैं, वो बात किससे कर रहे हैं, उन्हें तो बताना चाहिए कि भाई जिस एक्सेस को आप मांग रहे हैं, यानी मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमें एक्सेस दिया जाए, हालांकि उनके एसीज को एक्सेस दिया हुआ है, सिंध हुकूमत के पास एक्सेस मौजूद है चेक करने का कि कितनी मरदमशुमारी हो गई है, कितनी नहीं हुई है, ये तो हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए कि मैं ये जान सकूं कि मेरा घर को और मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों को एंटर किया गया कि नहीं किया गया। ये एक्सेस हमें नहीं मिला, हम इस पर आवाज उठा रहे हैं। हमने एक और कहा था कि ये एक्सेस हमें दिया जाए कि तमाम स्टेक होल्डर, सारी पार्टियों को आप ये हक दें कि रसाई दें कि हम इस पूरे डेटा को चेक कर सकें कि पूरे पाकिस्तान के डेटा किस तरह से हो रहा है,
और कराची का डेटा कैसे हो रहा है, पूरे सिंध का डेटा कैसे हो रहा है, और एक ब्लॉक कोड जो एक शुमारियाती ब्लॉक कोड सबसे छोटा होता है उसका क्या हाल है। पता चला कि वो एक्सेस हमें नहीं दे रहे। अब इसमें जो गड़बड़ है वो क्या है, गड़बड़ ये है कि बहुत सारे ब्लॉक कोड ओमिट हो गए थे, अब उसको रिकवर कर रहे हैं। खुद महकमा शुमारियात ने कहा कि 32,000 हाई राइज बिल्डिंग है कराची में, और वो खुद जब आए उन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया तो उन्होंने बताया कि अक्सरियत में खाना शुमारी नहीं हुई है, चंद फ्लोर पे जाता है अमला, बाकी पे नहीं जाता। अमला प्रोवाइड करती है सिंध हुकूमत, भाई सिंध हुकूमत का अमला है तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं डीसीज और एसीज और महकमा शुमारियात, तो शिकायत किससे कर रहे हैं। और बात यह है कि जब अपने हिस्से का काम आप नहीं कर रहे, अब अगर एमकेएम के दोस्त ये कहते हैं कि 1,43,00,000 पे खत्म हो गई थी, हमने बढ़वाई है, तो भाई पिछली मरदमशुमारी 1,60,00,000 पर खत्म क्यों हो गई थी 2017 की, और उसकी मंजूरी किसने दी थी? उसकी मंजूरी पीटीआई और एमकेएम की मुश्तरका हुकूमत ने दी थी। हम 3 करोड़ थे, हमें 1,60,00,000 की मंजूरी दे दी। हमने सवाल किया, मैं रिकॉर्ड पर हूं, कि ये मंजूरी नहीं होनी चाहिए, इसको कलदम होना चाहिए। कलदम होगा तो रीडू होगा, कलदम नहीं होगा तो बेसलाइन 2017 बन जाएगी। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और ये कराची के ऊपर मैं समझता हूं शबखून था, कि जिसके नतीजे में हमें कानूनी तौर पर इन्होंने 3 करोड़ के बजाय 1,60,00,000 कर दिया था। बहरहाल हम तो उस वक्त भी लड़ रहे थे, हमने उस वक्त भी एहतजाज किया। ये मरदमशुमारी डिजिटल शुरू हुई, इस डिजिटल मरदमशुमारी के जितने फ्लॉज थे हमने एक एक करके बताए। हमने कहा इसको डिफेक्टो होना चाहिए, जो जहां रहता है वहां गिना जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब डीजे डिफेक्टो आप डेफिनेशन छोड़े, हम यही करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब अमला अगर नहीं जा रहा फिर रेशो होता है। देखिए इसके नतीजे में नुमाइंदगी मिलनी है, इसके नतीजे में वसाइल मिलने हैं, इसके नतीजे में कोटा सिस्टम राइज है तो आपको मुलाजमतें मिलनी है। जब आप गिनेंगे ही सही नहीं तो हमें सब कुछ क्या मिलेगा। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को सही गिना जाए, पूरे सूबा सिंध को सही गिना जाए, जहां ज्यादा गिनती हो गई है उसको ठीक किया जाए और जहां नहीं हुई है उसको ठीक किया जाए। और ये 15 दिन की टाइमलाइन तो इन्होंने दी है, हमें कोई एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें पूरी गिनती चाहिए। आप 10 दिन में कर दें। आप कोई कानूनी दरवाजा खटखटाने का इरादा रखते हैं, पब्लिक स्ट्रेंथ तो आपकी है, बट इट डजंट वर्क नाउ। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि हर पार्टी का जलसा बड़ा हो जाता है, हर पार्टी अपनी रोड स्ट्रेंथ शो कर देती है, लेकिन उस पर डेवलपमेंट कोई नहीं होती मसाइल को लेकर। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं आगे? नहीं, वैसे तो इस बात को भी थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि कराची में मुझे आप बताएं पिछले 5 साल में जमात इस्लामी के अलावा किस पार्टी ने पावर शो किया है आवाम के मसाइल के हल के लिए। देखें, किसी के पार्टी लीडर के मसाइल होते हैं तो पावर शो हो जाता है, किसी के जो है वो जाती पार्टियों के अपने मसाइल होते हैं, करने नहीं दिए होते हैं। अभी 3 दिन पहले भी एक पार्टी के जो रानुमा है उन्होंने ट्वीट किया कि अगर मुझे आप आजादी दें और मुझे करने दें तो मैं बहुत बड़े बड़े पावर शो कर सकता हूँ। 3 दिन पहले ट्वीट किया उन्होंने एक पार्टी के रानुमा ने। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ कि सबको इजाजत होनी चाहिए, और मैं नहीं समझता कि कराची में कम अज कम मैं सुबह सिंध हुकूमत को सारे इख्तलाफ के बावजूद ये क्रेडिट जरूर देता हूँ कि वो यहाँ पर जो है वो एहतजाज हो सकता है और इसकी इजाजत होती है। अलबत्ता ये जरूर होता है कि एक चीज तय पाती है, अब ये नहीं होता मैं चल रहा हूँ राइट पे और कहीं से फोन आ गया और लेफ्ट कैंडिडेटर देके मैं चला जाऊं, तो बाज पार्टियों ने बच्चों को और औरतों को आगे रखकर पुलिस से भिड़वाया, पुलिस ने भी ज्यादती की जिसकी हमने मजम्मत की, लेकिन ये नहीं करो, जेन्युइनली एहतजाज करो। और लेकिन लोग सामने नहीं आते और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जमात इस्लामी तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर है, ये पार्टियां क्यों नहीं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करती, कर नहीं सकती, बिके हुए होते हैं। नादरा पर क्यों नहीं बात करती शनाख्ती कार्ड के लिए, बैरिया टाउन पर क्यों नहीं बात करते, कर ही नहीं सकते। मसला यह है कि जमात इस्लामी तो स्ट्रगल कर रही है जिद्दोजहद आईन, और आपने कहा कानूनी, ये 15 दिन हो जाए, और मैं समझता हूं अगर 15 दिन में गिनती हो जाए हम मान लेंगे, हमें कोई लड़ाई थोड़ी करनी है। हमारे पास पैरामीटर्स हैं, डेमोग्राफर्स की रिपोर्ट्स हैं, यूएनओ की तमाम बहुत सारी चीजें एक्सरसाइज हैं, हमारे पास थिंक टैंक की रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास बिजली के मीटर का हिसाब है, हमारे पास गैस के मीटर का हिसाब है, हमारे पास दादरा का डेटा है, ये सब बेसलाइन मौजूद हैं। लेकिन फिर भी आप ज्यादती करेंगे तो फिर तो हम कबूल नहीं करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हाफिज साहब, ये जो 15 दिन की मुद्दत में जो तौसी का मामला है, आपने इस पे कहा कि इस पे आपकी भी स्टेटमेंट है कि हमें खैरात नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि अभी ये जो मामला जिस तरह से जमात इस्लामी इस हवाले से स्ट्रगल आपने खुद भी कहा कर रही है, और जो आप लोग की डिमांड है अगर नहीं होती कानूनी रास्ते के अलावा जो पावर शो है या जो आपकी रोड स्ट्रेंथ है आप उसको आजमाएंगे, या आइंदा का जो लाए अमल या स्ट्रैटेजी की बात करें क्या होगी जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी? पहली स्ट्रेटेजी तो यह है कि हम शहरियों से भी अपील कर रहे हैं, देखें सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि अपना काम भी करना चाहिए। मैं शहरियों से आपके तवस्सुत से अपील करता हूं कि जिसके घर पे मरदमशुमारी का अमला नहीं आया वो मरदमशुमारी के हेल्पलाइन पे भी कॉल करें, और जमात इस्लामी का पोर्टल भी मौजूद है, इस पे JISensus.com पे जाइए आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें दर्ज करा दीजिए, हम आपका केस लड़ेंगे इंशाल्लाह।
और आपकी गिनती होगी और अच्छा। जरूर होगी, कोई कोई नहीं रोक सकेगा। तो आप इस 10-15 दिन में जो हमें मिले हैं ना, मैक्सिमम फ्लैटों में रहने वाले, आबादियों में रहने वाले, जिसको जरा सा भी शऊर है और जिसको नहीं है उस तक शऊर पहुंचाएं। हम सबका कलेक्टिव मसला है। हम गिने जाएंगे तो हमारे बच्चों का रोजगार होगा, हम गिने जाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट सही होंगे, पूरा बदतरीन शहर का हाल है, वसाइल हमें ठीक मिलेंगे आगे चलकर। भाई हमेशा यह सियारात तो नहीं रहेगी ना, यही वडेरा शाही तो नहीं रहेगी ना हमेशा, लेकिन अगर आपकी बेस लाइन सही नहीं होगी तो अगर इससे जान भी छुटेगी तो कोई क्या करेगा। इसलिए आप अगर अपना मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, हाफिज साहब कोई टेंटेटिव नंबर्स हैं आपके ज़हन में, इस नंबर तक अगर ये स्टैट्स शो होते हैं तो यू विल से के बेहतर हुई है खाना शुमारी? देखें सारे पैरामीटर्स के नतीजे में जो नंबर भी सेट होगा, देखें उसका तरीका है ना, जब एक नंबर हमारे हिसाब से 3.5 करोड़ है, ठीक है, ओके, लेकिन चलें आप कहते हैं कि 3.25 करोड़ है, तो हम इसको चेक करेंगे, इसका सर्वे करेंगे कि क्या हमारी बात सही है कि इनकी बात सही है। दुनिया भर में रैंडम चेकिंग होती है, दुनिया भर में साइंटिफिक सर्वेज होते हैं, इस वक्त भी सर्वेज बहुत सारी कंपनियां करवा रही हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट लोग जो है वो गिने गए और कितने नहीं गिने गए। मैं एक आदमी भी ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन मैं एक आदमी भी कम भी नहीं चाहता, ओके, एक बच्चा भी कम नहीं चाहता। और मेरे ख्याल में जो बहुत सी बैनुल अक्वामी जो एजेंसीज हैं वो भी इस चीज को मॉनिटर कर रही हैं, क्योंकि ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ इंसानों का मामला है, दुनिया के सबसे बड़े वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड का मामला है, तो मेरे ख्याल में उनकी भी नजर इसके ऊपर जरूर है कि वसाइल की तकसीम के लिए कैसे होता है। हाफिज साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी एफर्ट्स आई बिलीव सिंसियर एफर्ट्स है कराची के। हम इसका खैर मकदम करते हैं, जो आपका मौकफ है कि एक इंसान भी ज्यादा ना गिना जाए, लेकिन एक भी कम ना गिना जाए, सही गिना जाए, ताकि जो वसाइल की तकसीम है वो बेहतर हो। इस पर हम बात करते रहेंगे जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट खला के उस पार, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं मर्करी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार आज हम बात करेंगे मरकरी पर, सियारा तारत पर। सियारा तारत जो है इसने साइंसदानों के लिए एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा किया हुआ है बहुत अरसे से, और साइंसदान यकीनन बहुत सारे तजुर्बात कर रहे हैं और इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुश्किल सवाल जो है इस पर बात करते हैं। शमसी निज़ाम जो है वो 4 अरब 53 करोड़ साल पहले वजूद में आया, और इस हवाले से जितने भी नज़रियात हैं उनको प्रूव करने के लिए साइंसदान जो है वो मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहते हैं, सिमुलेशन बनाते रहते हैं, और वो जितनी भी सिमुलेशन हैं वो हमें एक्यूरेट नतीजा देती हैं कि एग्जैक्टली जो नजरियात हैं शमसी निज़ाम के वाले से बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन वाहिद मरकरी है या तारत है जो कि प्रॉब्लम करता है, और वो प्रॉब्लम ये करता है कि वो जो सिमुलेशन का नतीजा है वो हमें ये बताता है कि बाकी प्लैनेट्स का जो साइज़ है और जिस तरीके से वो रोटेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये तमाम बिल्कुल इसी तरह एक्यूरेट है, लेकिन तारत का जो साइज़ है ये इससे 3 से 4 गुना बड़ा होना चाहिए था। और ये मरकरी का के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल है, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसका एक्चुअली जो इनर कोर है या जो मेटालिक कोर है वो इतना बड़ा है कि वो तकरीबन 75-80% ऑफ प्लैनेट बनता है। किसी भी प्लैनेट की कोर जो है, मेटालिक कोर जो है, वो इस कदर बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इसकी मेटालिक कोर जो है वो इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर जो आउटर शेल है जो कि जमीन का बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो शेल है, आउटर शेल है जो अतारत का, वो सिर्फ 400 से 500 किलोमीटर है। यानी उस 400 से 500 किलोमीटर के आउटर शेल को निकाल दें तो बाकी तो वो सारी आयरन की मेटालिक जो है कोर है उसके अंदर। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों है। अतारत के हवाले से ये जो सवाल है इसकी खोज में साइंसदान रहते हैं, तजुर्बात करते रहते हैं, और बहुत सारी पेशरफ जो है हमारे सामने आती भी रहती हैं। सबसे पहले तो मरकरी के हवाले से अगर आप अपने बच्चों में आगाही पैदा करना चाहते हैं और इसके हवाले से आपको एक इंतहाई कोई इंटरेस्टिंग वेबसाइट चाहिए, तो वो इंटरेस्टिंग वेबसाइट जो है वो नासा ही है। नासा की जो वेबसाइट है इसमें आगे जाइए सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बाद प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स में के बाद मरकरी, और इसमें आपको 3D मॉडल्स मिलेंगे, इसमें आपको मुख्तलिफ पोस्टर्स मिलेंगे, और तमाम वो इन्फॉर्मेशन और बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ मिलेगी। रियल टाइम आप इसको रोटेट होता देखेंगे और ऑर्बिट के अंदर, और आप अपने तौर पे भी आप करना चाहें मैनुअली तो वो भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि आपको रियल टाइम बता रहा होता है कि जो सन है, सूरज है, उससे मरकरी का इस वक्त डिस्टेंस क्या है और वो किस तरह तब्दील हो रहा है हर लम्हे। और आजकल अगर आप देखेंगे तो वो तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख किलोमीटर
तकरीबन आपको ये नजर आएगा फासला, और ये कम फासला है, कम तरीन फासला है। इस वेबसाइट की एक दिलचस्प बात यह है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो ये है कि मरकरी का और सन का, अतारद और सूरज के बाहमी जो फासला है, ये आपको रियल टाइम बताता है। हर लम्हे में फासला कितना तब्दील हो रहा है, वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो आप देखते हैं। और अगर हम फासले की बात करें तो मरकरी जो है वो तकरीबन, अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो वो 5.8 मिलियन, तकरीबन 5,80,00,000 किलोमीटर है, जबकि इसका जो मैक्सिमम फासला है, यानी जिस एक ऐसा पॉइंट जिसमें मरकरी सूरज से बहुत ज़्यादा फासले पे होता है, वो तकरीबन 7 करोड़ किलोमीटर है। इसी वेबसाइट पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो सूरज की रोशनी है वो अतारद तक पहुँचने में कितना वक्त ले रही है। जब आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो उस वक्त, और आजकल 3 मिनट और तकरीबन 40 सेकंड ले रही है सूरज की रोशनी अतारद तक पहुंचने में। तो इस हवाले से आप बच्चों को बता सकते हैं कि जो लाइट है, रोशनी है, वो किस रफ्तार से सफ़र करती है, और इस वक्त जो फासला है अतारद का और सूरज का वो कितना है दरमियान में, और इस वजह से वो 3 मिनट और 40 सेकंड क्यों ले रही है सूरज की रोशनी है वो अतारद तक पहुंचने में। अतारद के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि फास्टेस्ट है, बहुत ही तेज़ है, और सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता है जितने भी प्लैनेट्स हैं सूरज के गिर्द। इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 47 किलोमीटर पर सेकेंड है, 47 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और इसकी ये जो रफ्तार है, क्योंकि तमाम प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो इस हवाले से आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि इसकी अगर डिस्कवरी की हम बात करें कि मरकरी को किसने डिस्कवर किया, तो उसकी डेट जो है या उसका जो नाम है कि किसने डिस्कवर किया, वो अननोन है। अगर आप नासा की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको ये बताएंगे कि अननोन इसलिए क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो तकरीबन 1000 या 1200 साल कबल मसीह में भी हमें मालूम होता है कि उस वक्त के लोग भी मरकरी को जानते थे, और इतना जानते थे क्योंकि उस वक्त स्काई ऑब्जर्वर बहुत कमाल थे, यही काम था स्काई था और उसको ऑब्जर्व करते रहते थे। तो क्योंकि मरकरी जो है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार है, तो इसी मुनासबत से उन्होंने उस वक्त के एक रोमन गार्ड जो है उसका नाम मरकरी था, तो इस प्लैनेट का नाम मरकरी रखा। अब तक नासा जो है क्या काम कर चुकी है मरकरी पे, इस हवाले से 2 जो रोबोटिक्स हैं वो भेजे जा चुके हैं। एक 1975-76 में गया था जिसने तकरीबन 45% ऑफ जो सरफेस है, जो उसकी सतह है, उसकी फोटोग्राफी की थी, और वो जो प्रोब थी या वो जो रोबोटिक था वो 2016 में मरकरी की ही लैंड पे क्रश कर दिया गया इंटेंशनली, और उसकी वजह ये थी कि उसका मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। और एक और रोबोटिक जो था मैसेंजर नाम का, मैसेंजर जो है वो एक एब्रिवेशन है बुनियादी तौर पे, और मैसेंजर जो है उसको भेजा गया, और तीसरा जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा, जो कि जिसने 2021 में इब्तदाई तस्वीर जो है वो मरकरी की वो दी थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है मरकरी के वाले से कि अगर आप मरकरी की सतह पर खड़े हों, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक फ़र्ज़ करते हैं, तो आपको सूरज जो है वो यकीनन 3 गुना बड़ा नज़र आएगा। अब बात करते हैं मरकरी की जो सतह है उसका जो दर्जे हरारत है वो क्या है, यानी सरफेस टेम्परेचर क्या है। सरफेस टेम्परेचर का जो सवाल है ये इस सवाल से भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये सूरज के नज़दीक तरीन है, तो जो सूरज वाली साइड है जहाँ पे लाइट आपको पड़ती नज़र आती है, इसका जो टेम्परेचर है वो 430 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि दूसरी वाली साइड का जहाँ पर लाइट पड़ती हुई आपको नज़र नहीं आती, यानी जो शेडो है उस तरफ का जो टेम्परेचर है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो इन दोनों फिगर्स के दरमियान में आपको जो फ़र्क नज़र आता है वो तकरीबन 600 सेंटीग्रेड का, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्विंग इसको कहा जा सकता है, सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है। और पूरे जितने भी आपका सोलर सिस्टम है, पूरे सोलर सिस्टम में मरकरी एक वाहिद ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर टेम्परेचर का इतनी ज़्यादा तब्दीली, दर्ज हरारत की इस कदर तब्दीली है कि एक तरफ 430 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी तरफ -180 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपके जहन में आ गया होगा कि मरकरी शायद क्योंकि सूरज के करीब तरीन है तो इस वजह से 430 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो ये शायद सबसे गर्म तरीन प्लैनेट या गर्म तरीन जगह इसको कही जा सकती है सोलर सिस्टम के अंदर। लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि बुनियादी तौर पे वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है, गो के वीनस जो है उसका फासला कहीं ज़्यादा है मरकरी से, लेकिन उसके ऊपर एक डेंस एटमोसफेयर है जिसकी वजह से वो इसके ऊपर कोई इसके बहुत ही ना होने के बराबर है इसका जो एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है लेकिन टेम्परेचर जो है, जो सरफेस का टेम्परेचर है वो इसका कहीं ज़्यादा है जो कि वीनस का है। और वो आप जानते हैं कि वो जो डेंस क्लाउड्स हैं या जो जो एटमॉस्फेयर है वो बुनियादी तौर पे हीट को वापस नहीं जाने देता, और जिसकी वजह से उसका जो वीनस का जो सतह का टेम्परेचर है वो कहीं ज़्यादा है।
और एक दिलचस्प बात ये आपको बताता जाऊँ कि मर्करी जो है ये सिर्फ 2 डिग्री टिल्ट है, और इस 2 डिग्री टिल्ट होने की वजह से इसकी जो दोनों पोल्स हैं इस पे 1990 या 1991 में साइंसदानों को आइडिया हुआ था कि यहाँ पे बर्फ मौजूद है। वो बर्फ इसलिए मौजूद है, आप हैरान होंगे कि अगर एक तरफ वो 430 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो वहाँ बर्फ़ कैसे हो सकती है, लेकिन ये शेडोज़ हैं इस जगह पे जहाँ पे धूप नहीं लगती, क्योंकि इसका टोटल 2 डिग्री है, जिसकी वजह से जो पोल्स हैं इसके वहाँ पे वो शेडो ही रहते हैं या वहाँ पे कम से कम धूप नहीं लगती उस तरह, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्फ के हवाले से कुछ मालूमात मिली थी। खला के उस पार बहुत कुछ है और खला के उस पार के हवाले से बात होती रहेगी। मरकरी के हवाले से बच्चों पे ज़रूर आगाही पैदा कीजिएगा और उनको बताइएगा और नासा की वेबसाइट से मदद लीजिएगा और वो मरकरी के हवाले से उसमें जितनी मालूमात चाहें, वो चाहे विजुअल हैं, चाहे पोस्टर्स हैं, चाहे 3D उसके मॉडल हैं, और जो रियल टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चों के अंदर इस तजस्सुस को उभारिए कि खला के उस पार क्या है। देखते रहिए खला के उस पार। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं अब जो सेगमेंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के हवाले से। इसके बारे में हम 2 साल कबल भी बात कर चुके हैं, ख़ास तौर पे जब इस बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा गया था और इसकी जो इमारत है वो बनना शुरू हुई थी, और फिर 2 साल के मुख्तसर अरसे में ये बिल्डिंग न सिर्फ मुकम्मल हुई बल्कि वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी भी है, जिसमें अब बच्चों के दिल में सुराख का जो इलाज है वो बग़ैर सीना चाक किए किया जा रहा है, और ये गालिबा पाकिस्तान में पहली मशीनरी है जो इंस्टॉल हुई है। इस हवाले से आपके जो एहतियात हैं, सदकात हैं, इसको हस्पताल की अशद ज़रूरत है ताकि बाकी जो काम नामुकम्मल है उसको भी मुकम्मल किया जा सके। तो फैरा फैज की गुफ्तगु हुई है, यहां पर कुछ आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है? नाज़रीन, पाकिस्तान में सालाना 60,000 बच्चे दिल के आर्जे के साथ जन्म लेते हैं। आज मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूं जहां पर दिल के मर्ज में मुब्तला बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है। तो आइए चलकर देखते हैं कि PCHF की तामीरात का काम कहां तक पहुंचा है और वो बच्चों का इलाज किस तरह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्लाह का जी। इस इदारे के पीछे विजन क्या था? हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारा विजन है, वो ये है कि कोई भी बच्चा जो दिल के आर्जे के साथ पाकिस्तान में पैदा हो वो अनट्रीटेड ना रहे। विजन को अचीव करने के लिए माशाल्लाह जहाँ हम खड़े हैं आप देख रहे हैं पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हमने ये 2019 से कंस्ट्रक्शन शुरू की थी पाकिस्तान के पहले डेडिकेटेड चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। क्या क्या डेवलपमेंट के जो काम हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और क्या क्या होने बाकी हैं? 2 साल पहले तो यहाँ एक गड़ा था, तो अब अल्लाह के फजल से ये बिल्डिंग खड़ी हो गई है जिसके 2 बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 टोटल 1,70,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, ठीक है, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर अब माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो कितनी बेड कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद है? जी, हमारा इंशाल्लाह कोशिश है 75 बेड के साथ यहाँ पर हम बच्चों के हार्ट की सर्जरी को स्टार्ट करें, ठीक है, और 75 बेड के साथ हमारी सालाना कैपेसिटी बच्चों की हार्ट की सर्जरी की 2000 हो जाएगी और इसी तरह 2000 इंटरवेंशन हो सकेंगी, ठीक है। यानी कम्प्लीशन के बाद हम साल के तकरीबन 4000 केसेज इंशाल्लाह इस फैसिलिटी कर पाएंगे। कितने ICUs बनेंगे, कितने OTs जो हैं वो बनने जा रहे हैं? यहाँ पर 30 बेड के ICU होंगे और इंशाल्लाह 30 बेड के प्राइवेट रूम्स होंगे, और बाकी बेड हैं वो हमारे 15 बेड वो एमरजेंसी के लिए एलोकेट होंगे और OPD का निज़ाम अलग से होगा। 30 बेडेड ICU अलग रखने का मकसद ये था कि क्यूबिकल ICU होंगे जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे के पास ज़्यादा उसको देख भी सकेंगे, टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे, क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि बच्चा जब बीमार होता है तो उसके पेरेंट्स उसके पास हों तो बच्चे की रिकवरी फास्ट हो जाती है। हमारी पहली कोशिश है कि हम OPD को इंशाल्लाह फंक्शनल कर लें, 25 से 30 करोड़ रुपया इस इमीडिएटली हमारी ज़रूरत है। जो पूरा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह अगेन डिपेंडिंग अपॉन फंड्स, टाइम पर अवेलेबिलिटी और डॉलर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अगले साल में हम यहाँ पर बच्चों का पहला हार्ट की सर्जरी कर लें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। सर, जो देखने वाले हैं एक दफ़ा उनको बता दीजिए कि ये CHD बेसिकली ये जो दिल का आर्जा है ये है क्या?
जी CHD आमतौर पर इसको दिल में सुराख कहा जाता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यानी ये वो बीमारी है जो बच्चा पैदाइश के साथ लेकर आया है, और अगर टाइम पर इस बच्चे के सुराख को बंद कर दिया जाए तो उसका हार्ट का जो दिल का सुराख है वो हमेशा के लिए क्योर हो जाता है। सर ये जो CHD है ये हम डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं? CHD की डायग्नोसिस जो बड़े यानी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर तो माँ के पेट में ही डायग्नोसिस हो जाता है, और पाकिस्तान में ऐसा पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है, यानी कि जो जिस तरह होना चाहिए यानी कि मैस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वैसी है नहीं है, और इंशाल्लाह हमारे सेंटर में ये अवेलेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो जब ये इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, और इसके अलावा क्वालिफाइड स्टाफ यानी कि डॉक्टर्स वो कितने रिक्वायर्ड होंगे? 3 ऑपरेशन थिएटर होंगे और इंशाल्लाह 2 एंजियोग्राफी लैब होंगी, उसमें से एक जो है वो हाइब्रिड लैब होगी। एक ऑपरेशन थिएटर के लिए आपको मल्टीपल बच्चों के हार्ट के सर्जन चाहिए, मल्टीपल बच्चों के हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, बच्चों की बेहोशी का हार्ट का डॉक्टर अलग चाहिए, इसी तरह बच्चों का ICU का डॉक्टर अलग चाहिए। तो अभी हमारे मुल्क में जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है करंट कैपेसिटी बहुत कम है। तो क्या ये 24/7 ऑपरेशनल होगा? 24/7 होगी, और स्पेशली वो बच्चे जो कार्डिक पेशेंट हैं उनकी इमरजेंसी अलग से बनाई जाएगी। अब आप हमें हॉस्पिटल ले जाएं, हम वहाँ का भी विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हाईली प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर कैथ लैब है जहाँ पर हम बच्चों की हार्ट के प्रोसीजर बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी के थ्रू क्लोज करेंगे। तो सर हम लैब के अंदर तो पहुंच चुके हैं, मुझे इस लैब के बारे में मजीद बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोसीजर किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं बच्चे जो बगैर ऑपरेशन के उनके दिल के सुराख बंद हो सकते हैं। अभी हमारा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो डायग्नोसिस में भी उनकी कैथ करनी जरूरी होती है। ठीक है। और हमारे जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट दानियाल, जिसमें हम बाहर से मेडिकल मिशन लेकर आते हैं, उसकी इंशाल्लाह यहाँ पर हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ से कतर से स्पेशली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं जो यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इकट्ठे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, और वो केसेस जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो रहे होते उनको यहाँ के डॉक्टर्स के साथ वो करवाते हैं। जबरदस्त। हम चलते हैं पर बच्चों से भी बात करते हैं, बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, अभी जिनके रिसेंटली केसेस हुए हैं आप उनसे मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? इसका बड़ा प्यारा नाम है, सहर नाम है ये। अच्छा जबरदस्त। अच्छा स्माइल पास करिए लेकिन बात नहीं करिए। सहर घर कर घर आज घर जाना है? हाँ देखें फिर आपको टॉयज भी मिलेंगे। वाओ। आपको टॉयज मिलेंगे, आपको कैंडीज मिलेंगी, टॉफी भी खानी है? टॉफी हाँ। देखो यार ये तो सारी बातें करती हैं। मुझे ये बताएं कि सहर की इस बीमारी के बारे में आपको किस तरह से पता चला था? दूसरे बच्चों से थोड़ी मुख्तलिफ आदतें थी इसकी, यानी चिड़चिड़ापन आ जाना, यानी जिद करनी, कुछ इस किस्म की थी, सांस चढ़ जाना खेलते हुए। डॉक्टर उज़मा है लाहौर की, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला भाई इसके दिल में सुराख है। सहर जो है नॉर्मल बच्चों की तरह भागेगी, कूदेगी, खेलेगी इंशाल्लाह। तो इस पूरे ट्रीटमेंट से, इस अस्पताल से आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नर्सों का रवैया कैसा था आपके? बहुत अच्छा। किस तरह से डील करती हैं बच्चों को, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर वालों से ज़्यादा अटैच होते हैं? इनिशियली इट वाज क्वाइट ट्रिकी, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ बातें करने, बच्चे यू नो प्यार के साथ डील करते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये कि ऑपरेशन के बाद बच्चे तंग तो करते हैं, पेन भी होती है, अपनी माँ को याद भी करते हैं। ये बताओ कि आपको कब पता चला था कि आपको दिल का जो है मर्ज है? पिछले साल फरवरी में। फरवरी में पता चला था? तो आपकी एज क्या है? मेरी 21 ईयर्स। 21 ईयर्स एज है। तो आपका ऑपरेशन हो चुका है? जी हो चुका है। अच्छा तो जब आपने डॉक्टर के पास आप गई, उन्होंने डायग्नोज किया इस चीज़ को, तो उन्होंने क्या बताया कि ये आपको बचपन से था? जी डॉक्टर के ख्याल के मुताबिक ये बचपन से था, लेकिन मुझे पहले कभी नहीं फील हुआ था। तकरीबन 60,000 के करीब बच्चे हैं जो सालाना तौर पर पाकिस्तान में इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? इसके पीछे वजह क्या है? हर 100 में से एक बच्चा दुनिया में जहाँ भी पैदा होता है ना उसको दिल का अर्जा होता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये शरह थोड़ी ज्यादा है। लो इनकम कंट्री में गुर्बत एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि मदर की न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर मदर का अगर फर्स्ट 3 मंथ में खुदा खास्ता उनको हाई ग्रेड फीवर हो जाए तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त तक हम मतलब कंफर्म नहीं कर सकते जब तक हम इसके ऊपर रिसर्च बेस्ड एविडेंस के साथ बात ना करें। ठीक है। किस एज में
ये जो इदारा है ये बच्चों का ऑपरेशन करता है? जी हमारे पास जो सबसे छोटा बच्चा ऑपरेट हुआ वो 3 दिन के थे। अच्छा जी, तो और जो सबसे बड़ी बच्ची ऑपरेट हुई वो 60 इयर्स की थी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि नन्ही धड़कनों की जिंदगी की उम्मीद बने। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, इनफैक्ट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ओकाड़ा के एक अखबार फरोश है जी मोहम्मद अनवर, उन्होंने बरसों मेहनत की और मजदूरी करके एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की है। वो खुद तो मैट्रिक पास हैं, अखबारें बेचते हैं, उन्होंने अपनी औलाद को आला तालीम के जेवर से आरास्ता किया। योम मजदूर के हवाले से हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं साजिद रशीद, उन्होंने उनसे खसूसी गुफ्तगू की और उनकी क्या अचीवमेंट है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और वापस आते हैं। आला तालीम का हसूल अनवर का ख्वाब था मगर मुआशी हालात ने अखबार बेचने पर मजबूर कर दिया। उकाड़ा के इस अखबार फरोश ने अपने बच्चों की तालीम पर कोई समझौता न किया और दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई। आज मोहम्मद अनवर की एक बेटी फाखरा अनवर डॉक्टर बन चुकी है जिसने कई गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे है। 46 साल से काम कर रहा हूँ, मैं आगे पढ़ना तो चाहता था, पढ़ नहीं सका। वही शौक है, मैंने अपने जेन में रखा कि अपनी जो तालीम है बच्चों पे पूरी करूंगा। अखबार फरोश अनवर के बेटे अबैदुल्ला अनवर ने फार्मेसी की तालीम हासिल की, तीसरी बेटी एमफिल केमिस्ट्री करके लेक्चरर की जॉब कर रही है, छोटी बेटी एमफिल जूलॉजी जबकि बेटा बीएस ऑनर का तालिब इल्म है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स जिनकी अंतक मेहनतों की वजह से आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीबीएस। हम सब बहन भाइयों को मुझ समेत अपने माँ बाप पर बहुत ज्यादा फख्र है। अनवर खुद मैट्रिक पास है लेकिन इसने अपनी औलाद को आला तालीम के जेवर से आरास्ता करके इन्हें एक रोशन मुस्तकबिल दिया है। अखबार फरोश मोहम्मद अनवर ने मुआशी और मौसमी सख्तियों से घबराए बगैर मेहनत और मजदूरी जारी रखी। एक बेटी डॉक्टर जबकि 4 बच्चों को मास्टर डिग्री करवा के हिम्मत और अजम की मिसाल कायम कर दी। साजिद रशीद, एक्सप्रेस न्यूज, उकाड़ा। डेफिनेटली बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसके हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साजिद रशीद बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं जी, अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट देसी फूड। आज आपको देसी फूड में 12 मसालों से तैयार लाल कतलम्बा। आ गए आपके मोटे होने के दिन डियर व्यूअर्स। कतलम्बा आपने खाया है? नहीं मैंने नहीं खाया। नहीं खाया, आप देखें आपका दिल करेगा। देखते हैं जी देसी फूड। आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने तो लाई नहीं लेकिन आज मैं आई हूँ न्यू मजंग में जहाँ पर स्ट्रीट फूड तैयार किया जाता है और ये वो स्ट्रीट फूड है जो कि अमूमन त्योहारों पर बनाया जाता है और इस स्ट्रीट फूड में शामिल है अंदरस से कतलम्बे, जलेबी और मीठा पूड़ा वगैरह। नाजरीन आए चलकर लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ की खास बात क्या लगती है और ये बनाया कैसे जाता है। आप कहाँ से हैं? मैं ये रहमानपुरा से आया हूँ। अच्छा, तो क्या खाने लगे आज इधर? आज ये कतलम्बा खाने लगा, आज बड़े देर बाद दिल कर रहा है खाने को कतलम्बा। खास बात क्या लगती है कतलम्बे की आपको? खास बात क्या, बस ये मैदे से बना होता है और वो टेस्टी काफी होता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं ये समनाबाद से, आप पास ये घर। अच्छा, क्या खा रही हैं आज इधर? कतलम्बा। खास बात क्या लगती है कतलम्बे? खास बात ये कि ये त्योहारों में आता मजे का होता है, दिल करता खाने को। इसमें बहुत सारे मसाले लगे होते हैं, माश की दाल से बनना होता है। और क्या खाती हैं आप यहाँ से? मैं तो यहाँ से कतलम्बा और जलेबी लेके जाते हैं। आप क्या खाने हैं यहाँ से? कतलम्बा। अच्छा, तो क्यों खाना चाहते हैं आप कतलम्बा? वैसे बस कभी कभी ओकेजन पे मिलता है तो लेने आ जाते हैं, तो अब मिला है तो अब खा रहे हैं, रोज की डिश नहीं है। खास बात क्या लगती है आपको कतलम्बे की? खास बात ये है कि थोड़ा डिफरेंट है टेस्ट में ना, बेसन होता है, दाल माश वगैरह डली होती है और मसाले वगैरह होते हैं, थोड़ा स्पाइसी होता है, अच्छा लगता है। नाजरीन यहाँ पर जलेबी और अदरसे तैयार किए जा रहे हैं। जो अदरसे हैं वो तो तैयार होते हैं चावलों के आटे से और जो जलेबी है वो मैदे से तैयार की जाती है लेकिन उसको फ्राई करने के बाद शीरे में डिप किया जाता है ताकि जलेबी में मिठास आ सके और अदरसे में पहले से ही मीठा है वो ऐड किया होता है। हमारे साथ यहाँ पर शेफ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। अच्छा असलम साहब, मुझे ये बताएं ये आपका कतलम्बा जो है ये किस चीज़ का बना रहे हैं? ये मैदा है। ये मैदा है। आपने कितनी देर इसको भून के रखा? आधा घंटा। अच्छा, और इसमें क्या क्या डाला आपने मैदे में?
सेगमेंट तो आप देख ही रहे हैं, बकिया साहब को दिखाएंगे फिल्म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से बात करें। आप एक साहब का वज़ीरे आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस मुल्क के सबसे बड़े टैक्स पेयर को इंसाफ नहीं मिलेगा, या फेडरल सेक्रेटरी इदारों के सरबराह जो पूरी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करके मुल्क की खिदमत करके गए हैं, आज अदालतों में बैठे हैं, 4 साल से बैठे हैं, किसी को परवाह है? चेयरमैन नैब को परवाह है? मुल्क के चीफ जस्टिस को परवाह है जो अदालतों के सरबराह हैं? ये सवाल आज मेरे हैं, इसका जवाब नहीं देंगे तो फिर ये मुल्क नहीं चलता मेरे भाई, ये सारी बात है जी। अभाई साहब, आपकी जमात नारा लगाती रही वोट को इज्जत दो, लेकिन आज जब वोट को इज्जत देने का वक्त आ रहा है, इलेक्शन की बात की जा रही है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून तैयार दिखाई नहीं दे रही, तो आपने पार्टी को मशवरा दिया कि इंतखाबात में जाना चाहिए? नून तैयार हो या ना हो, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और उसमें जो जमात हिस्सा लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले। इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो सियासी तनाव की सूरत हाल है? एक तरफ जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो पीटीआई के साथ टेबल टॉक पर बैठ गया, आज फिर दोबारा तीसरा दौर मुज़ाकरात का, समझते हैं ये मुज़ाकरात किसी अच्छे इख्तिताम की तरफ जाएंगे या फिर कोई इलेक्शन इस साल होता आप देख रहे हैं? इलेक्शन भी डिले हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ, 2 दफ़ा इतफाक हुआ है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने का और दोनों दफ़ा बदनीयती पर मुज़ाकरात किए हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? ये अजीब बात है कि मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो लोग हैं वो जाएं सियासी पार्टी और फैसला करके आ जाएं, तो आइन का क्या हुआ? अदालतों का काम मुसालती अदालतें ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, जो भी आपने फैसला करना है करें, बात को आगे बढ़ाएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से बात करें, आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त दोबारा से लिंक करते हैं और चलते हैं फरियाल की जानिब, देखते हैं देसी फूड। जो आप इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करेंगे उसमें आपने क्या क्या डाला हुआ है? हरी मिर्च, हाँ जी, थोम, लहसुन, अदरक, हाँ, तड़ा मिर्च, नमक, बेसन। तो आप जब इसको ऑयल में डालेंगे, ये सरसों का तेल है या फिर दूसरा वाला तेल है? ये ऑयल है दूसरा। तो कितनी देर आप इसको पकाएंगे इसके अंदर? तकरीबन 3 मिनट। तो आपने एक कतलम्बी के ऊपर कौन कौन से मसाले डालेंगे जो अभी आपने डाले? ये सात मार्च और धनिया बाद में डाला है, उसके अंदर ये पेस्ट ज़्यादा बनने उसके अंदर सामान ज़्यादा होता है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको कतलम्बे लगाते हुए? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं, 25-26 साल। कितनी देर में ये कतलम्बा फ्राई हो जाता है इसके अंदर? ये आदमी के हाथ की स्पीड भी होता है। इस एक कतलम्बे का कितना वेट होगा? तकरीबन 2 किलो। 2.2 किलो। एक कतलम्बा कितने बंदों के लिए होता है? तकरीबन 3 से 4 आदमी को। दिन में कितने कतलम्बे निकाल लेते हैं आप? ये काम के हिसाब से होता है, कभी 20 भी निकल जाते हैं, कभी 50 भी हो जाते हैं, कभी एक भी नहीं चलता। अच्छा, ये काम के हिसाब से होता है। लोग त्योहारों पे ही क्यों कतलम्बा खाना पसंद करते हैं? क्योंकि ये डिश जो है ना डिफरेंस ही है, कभी कभी खाना पड़ता है। नाजरीन, कतलम्बा तैयार होता तो आपने देख लिया है। नाज़रीन, ये क्रंची मसालेदार और नहायत लजीज है, आप लोग कोशिश किया करें कि आम रूटीन में ना सही लेकिन त्योहारों पे ट्रेडिशनल फूड जरूर खाया करें ताकि हमारे सकाफती खाने जिंदा रह सकें। अगले नए देसी फूड तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देख लिया आपने बिल्कुल लंबा? मैं कहता हूँ देख भी लिया और अब मुझे पता चला हूँ, कभी हम नामों से कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, वो आप अभी जो पूरा इंट्रो इन्होंने मुझे बैकग्राउंड में दिया कि ये ज्यादातर और वाकई जो मेले ठेले होते हैं वहाँ पे मेले और इस तरह की जगहों पे ज्यादा, वैसे आम रूटीन में भी लोगों को मिलता है खाने को, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल ये कतलम्बा बड़ी मजेदार और मशहूर डिश है। चले जी, आगे बढ़ते हैं, खाना आपने खा लिया है, अब आपकी मुलाकात हम कराते हैं एक्सप्रेसो हीरो से। कतलम्बा फुटबॉल खिलाते हैं, फुटबॉल खिलाते हैं आपको, एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात कराते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी खवातीन हर मैदान में, चाहे क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स आप कर ले, उस पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। गुज़िश्ता में अगर हम बात करें, पाकिस्तान वेमेन फुटबॉल टीम जो है कुफसोर सेंट्रल स्टेडियम में AFC वेमेन ओलंपिक क्वालिफायर के पहले और दूसरे मैच में इनको शिकस्त हुई, जबकि कौमी टीम ने अपने तीसरे और आखिरी मार्के में मेज़बान जो ताजिकिस्तान के खिलाफ इवेंट की पहली फतह
हासिल की और एक हिस्ट्री जो कि है वो बनाई है। मलिका नूर की कयादत में जी ग्रीन शर्ट्स ने पहले हाफ का शानदार आगाज किया और खेल के अख्ताम तक डोमिनेट करती रही। आमना हनीफ ने 26वें मिनट में जामिना मलिक की मदद से पहला गोल किया और अपना पहला बैन अल-अक़वामी गोल करने और टीम को बदतरी बनाने के बाद जमीन पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम के गोल शीट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। खेल के दूसरे हाफ में दोनों जानब से गोल करने की मुसलसल कोशिशें की गई लेकिन अहवाल ये रहा कि एक गोल भी ना हो सका। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम ग्रुप ई में तीसरे नंबर पर रही जबकि फिलिपाइन ने वुमेन्स ओलंपिक क्वालिफायर के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। इस हवाले से हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, आई वुड लाइक अमला टू इंट्रोड्यूस हर। बिल्कुल, अनुशे उस्मान हमारे साथ मौजूद है, वुमेन फुटबॉल टीम की बहुत रुकने हैं। थैंक यू वेरी मच अनुशे, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक अनुशे। सबसे पहले तो ये हमें AFC वेमेन ये जो मुकाबला हुआ इसके हवाले से बताएं ये है क्या और कितनी टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। लाइक बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और हर लाइक पूल में लाइक ग्रुप स्टेजेस है ना, फॉर एग्जाम्पल लाइक उसके अंदर 4 टीम्स होती हैं एंड 2 आर अलाउड टू क्वालिफाई लाइक इफ दे विन ऑल 3 मैचेस। ओके, इवन दो इट वाज रियली हार्ड फॉर अस बिकॉज़ लाइक हमें सिर्फ अभी 6 मंथ्स हुए हैं लाइक, लेकिन फिर भी वी गेव देम अ वेरी टफ टाइम। लाइक फिलीपींस ने हमें लाइक 4-0 से बीट किया और हांगकॉन्ग को भी 4-0 से ही बीट किया है, तो लाइक दे आर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग चैंपियंस नाउ इंशाल्लाह, बट लाइक वी गेव देम अ टफ टाइम एंड इट वाज रियली नाइस, लाइक वी ऑल गेव आवर बेस्ट। क्या इस वक्त टीम का स्पिरिट क्या है भाई, सारे लोग जो खेल रहे हैं? एवरीबॉडी इज पम्प्ड अप एंड एवरीबॉडी इज रेडी टू एक्सेल फॉरवर्ड एंड दे आर विलिंग टू वर्क ऑन देयर सेल्व्स, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। So what are the weaknesses, Anushe, जो आपने अभी अभी टीम के अंदर जब भी आप एक मैच हारते हो या एक टूर्नामेंट हारते हो उसमें आपके कुछ प्लस होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं कि इस पर हमने काम करना है, सो टीम की इस वक्त क्या फाइंडिंग्स हैं, किन वीकनेसेस के ऊपर काम करने की जरूरत है एज टीम जो आप सोचते हैं बात करते हैं? सब लोगों में हमारे में कॉमन तो ये चीज़ है ऑब्वियसली द एंबिशन एंड द लव फॉर फुटबॉल एंड द कंट्री। ऑब्वियसली वी आर वेरी ग्रेटफुल कि वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ऑब्वियसली इट्स अ ट्रिब्यूट टू आवर नेशन। सो लाइक द वीकनेसेस आर कि लाइक एक अच्छी बात है कि लाइक द कॉमन थिंग वी ऑल हैव इज कि वी टेक अकाउंटेबिलिटी एंड वी आर रेडी टू ओन अप टू आवर मिस्टेक्स, वी नो वॉट वी हैव टू वर्क ऑन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड वी आर विलिंग टू डू दैट एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड वी आर रेडी टू इम्प्रूव। ऑब्वियसली रूम होता है इम्प्रूवमेंट के लिए अनुशा, बट ऑब्वियसली हम अभी आपने खुद भी कहा इट्स बीन जस्ट 6 मंथ्स और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना इट्स टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। PFF हमें ऐसे ही हेल्प करता रहा और लाइक हमें ऐसे करके लाइक कैंप्स लगते रहे एंड ऑल, तो लाइक वी कैन बीट other teams as well. Definitely, I see it. Definitely. अच्छा ये बताओ जब आपने खेला मुख्तलिफ टीम्स के साथ आपने पार्टिसिपेट भी किया, क्या आपको लगा कि आप लोगों को मजीद फैसिलिटीज वाइज या आपकी ट्रेनिंग वाइज या आपकी टीम की ओवरऑल क्या चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती हैं और ताकि आगे जाके जो गलतियाँ आप लोगों से अभी हुई हैं वो आगे ना हो? बेसिकली वी ऑल नीड टू वर्क ऑन आवर फिजिकल फिटनेस इंडिविजुअली आर सेल्व्स और लाइक बाकी टेक्निकल एंड लाइक टैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो हमारे कोच अदील, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोच माशाल्लाह, ही इज़ ऑसम। लाइक उन्होंने लाइक द वे ही मैनेज थिंग्स और लाइक सारों को हमें इकट्ठा रखा एंड आर कैप्टन एज वेल, द वे शी कैप्ट अस ऑल टुगेदर एंड द लीडरशिप क्वालिटी शी हैज़ लाइक बहुत ज़्यादा उसके लिए उसकी वजह से लाइक इट वॉज मच ईजियर फॉर ऑल। यस ओके मारिया Maria is the captain. She's the All captain. Right. Malika is the vice captain. Vice captain. All right. लेकिन Malika बाजी का भी बहुत ज़्यादा बड़ा role है. हाँ, she's also a senior. Obviously. अच्छा आगे बढ़ते हुए एक तो आपने कहा कि PFF अगर अपना role play करे, इस वक्त PFF क्या करे, क्या current structure है और what kind of support you actually looking forward to कि इस तरह की support हमें PFF दे तो बेहतर हो सकता है? मतलब like camps लगाते रहें और like थोड़ी ज़्यादा देर के लिए हो ताकि हम लोग की coordination and chemistry build up करने के लिए we have the time और like experience and exposure is everything. Because like experience is everything actually. Because like जितना experience होगा उतना बंदा आगे forward बढ़ सकता है और like आपको जितने लोग मिलेंगे like जितने नए लोगों के साथ खेलोगे उतना अच्छा होगा। Like और हमारे internal matches भी होते रहें और like external matches भी होते रहें तो this is gonna help a lot. अच्छा that's really great. Usually in cricket like Pakistan Cricket Board has a lot of budget. इवन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास बजट उतना नहीं है लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जब तक हम फॉरेन प्लेयर्स को या कोचेस को इंगेज नहीं करेंगे वो आके हमें जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वो नहीं सिखाएंगे हमारे प्लेयर्स को। और हॉकी में हमने देखा है कि है ऐसा क्योंकि यूरोपियन टीम्स बहुत आगे चली गई क्योंकि उन्होंने टेक्निक के अंदर काम किया, हम वो टेक्निक्स नहीं ले सके, हम पीछे रह गए। इवन इंडिया की एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ,
हमारे फुटबॉल के अंदर आपको अगर डोमेस्टिक कोचेज आपने अदील का नाम लिया ट्रेन कर रहे हैं तो क्या उनकी स्किल ऐसी है कि आप इंटरनेशनल टीम्स को टफ टाइम दे सकते हो या आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं वी हैव टू एंगेज अ फॉरेन कोच जो हेल्प करे हमारी विमेन को? Is very certified and qualified, so like I think he can do it, and he's the best one so far. Like I've played before as well with the Pakistan team, but the coaches weren't as good as him. So like he is a professional, and he is like I guess a UEFA qualified coach. So okay. He has a lot of knowledge about football. So you see, इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि वो बाहर से ही आए. अपने coaches भी ठीक हैं, बस training. अपने coaches are really good. अच्छा, अनुष्य, मैं physical training की आपने बात की. अभी जो आप लोगों के patterns हैं trainings को लेके, obviously आप कह रहे हो कि आपको मज़ेद काम करने की जरूरत है, एज ए इंडिविजुअल भी मैं आपसे बात करूं और टीम की भी बात करूं, किस तरह के ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं जिसके मुताबिक कभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्दर आप उसको अगर बेहतर करना चाहो तो? Practices, yes, exactly. Individually, individually, like outside of camp. Yeah, yeah. Outside of camp, everybody is given a plan. Like in the end of the camp, हमने like सारों ने मिलकर decide किया था कि we are going to work on ourselves because we know what we need to work on ना. So like हम लोग individually अपने clubs के साथ खेल रहे हैं और या departments के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ हम लोग training कर रहे हैं, like सारे regularly training कर रहे हैं because like we know what's coming up. तो family की तरफ से support है पूरी? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, बहुत सारी ऐसी girls हैं जो मुझे I'm sure कि they're very strong, they can play. बहुत अच्छी डिफरेंट गेम्स, मेनली हम फुटबॉल की बात कर लेते हैं, बट समहाउ दे लैक्स एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट या फिर अपनी पेरेंटल सपोर्ट जो होती है. आप चूंकि खेल रहे हो, ओब्वियसली आपके पेरेंट्स का एक ट्रस्ट है कि ये कर सकती है आगे, दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग यू, और आप प्रूव भी कर रहे हो माशाल्लाह नेशनल लेवल पे खेल रहे हो. जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं बच्चियों के खासतौर पर, उनको कुछ कहना चाहोगे आप ऑन बिहाफ ऑफ you know is game ko lekar ke wo kaise support kare apni bachiyon ko? I would say ki they're doing great and thank you so much for understanding, cuz like on their behalf, cuz like obviously it's hard to send your kids outside of the country and let them play, but we are representing Pakistan in the end of the day, so that's what matters. Yeah, sadhini, the match se pehle bhi ammi call kari hain, beta kya khaya, pehle ke baad bhi kari hain, kahan ho? Aisa nahi hai, aisa scene nahi hai, aisa nahi hai, aisa nahi hai. Like obviously they're very supportive, like they call me every single time like before matches to wish me good luck, like motivate karne ke liye and all. Saron ke parents like sare bahut zyada supportive hain. Rumaisa and Issa Khan, the new girl that joined us, uske parents were there to support us and they were so supportive. They were literally chanting and hooting and rooting for us all the time. It was great. Thank you very much, Anushe. We wish you very best of luck. Bahut acha laga aapse baat karke. Anushe Usman hamare sath maujood thi, wo bowler hain, Pakistani team ka hissa hai, football team ka hissa hai, unko represent kar rahi hain. Unse humne aapki mulaqat karwai aur bada acha khel rahi hai ladkiyon ko mazid ke mutabik trainings aur camps ki zarurat hai taki mazid excel kar sake. So, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. ब्रेक के बाद वापस आ गए जी. आपको पता है मौसम बदलता है, बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं स्किन रिलेटेड. खूबसूरत अच्छी स्किन होना मेरे ख्याल से आजकल जहाँ खवातीन का मसला है, मर्द रात का भी उतना ही मसला है, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़े जतन करते हैं. सिर्फ खवातीन को कहते थे कि ये बड़ी मेहनत करती है, मर्द रात भी उतनी ही मेहनत करते हैं. सो मुल्क भर में जी आपको पता है मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, तेज़ धूप के अंदर लोगों को जाना होता है, लोग काम पे जाते हैं, गर्मी आते हैं, धूप की शिद्दत बढ़ जाती है, फिर लोग मुख्तलिफ जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें मुबतला होते हैं. लेकिन आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि इस मौसम में कौन कौन से जो स्किन रिलेटेड इशूज़ हैं, कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा देखने में आती हैं, इनके हवाले से क्या एहतियात की जा सकती है, अपनी स्किन को धूप से कैसे बचाया जा सकता है, इसी पर हम बात करने वाले. बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अमीला जावेद साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना हेल्प कर सकती हैं हमें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि हम अपनी स्किन की मजीद उसको बेहतर कर सकें या उसका ख्याल रख सकें. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह. आप तो उस शहर के अंदर मौजूद हैं जिसकी फिजा काफी बेहतर, आई बिलीव यू आर इन इस्लामाबाद, राइट? तो वहाँ पे तो मसाइल होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, लेकिन लाहौर और कराची हमारे मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं. अच्छा, हमारे मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं. एक्चुअली जब मौसम चेंज होता है तो वो पूरे मुल्क को ही अफेक्ट करता है, लेकिन करंटली इस्लामाबाद में काफी अच्छा वेदर है और बारिश हो रही है तो लोगों को उतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी लाहौर में. हाँ, गर्द गुबार भी थोड़ा कम है. लाहौर और कराची में थोड़ा मामला मुख्तलिफ होता है. कराची में तो वैसे ही बारिशें बड़ी कम होती हैं और लाहौर भी चूंकि बड़ा शहर है तो यहाँ पे भी मसाइल होते हैं. सो सबसे पहले तो इन जनरल मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि कौन कौन से मसाइल इस वक्त लोगों को फेस हो रहे हैं स्किन को लेकर, आपके सामने कैसी क्वेरीज आती हैं और फिर उनका सोल्यूशन पे भी हम बात कर लेते हैं.
थैंक यू वेरी मच। देखिए जब सर्दी से गर्मी आती है ना तो लोगों की वही पुरानी रूटीन चल रही होती है, लोग वही वाले सोप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से गर्मी आ जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, तो उनको समझ नहीं आता कि प्रोडक्ट्स कैसे चेंज करने। गर्मियों में यूजली जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, वो ऑयल बेस्ड नहीं होने चाहिए। ख़ासतौर पर जो एक्जिमा वाले जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं कि वो बहुत ग्रीसी और ऑयली चीज़ें इस्तेमाल के पर ना करें, ना तो क्रीम्स, ना लोशंस और ना ही सनब्लॉक। सनब्लॉक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब गर्मी शुरू हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें, सर्दियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ज़रा लोग कम इस्तेमाल करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो एक तो सूरज की तपिश से बचने के लिए सनब्लॉक का इस्तेमाल, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वेट के साथ और ये जो पोल्यूशन होती है ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और स्किन के ऊपर आपने देखा होगा कि इस मौसम में दाने भी बहुत ज़्यादा एकदम से निकलने लग जाते हैं, एक्ने भी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। तो ये कॉमनली जो मसाइल होते हैं यही हम लोग आजकल क्लिनिक में देख रहे होते हैं। इसके अलावा फोड़े फिंसियाँ, इन्फेक्शंस, बच्चों को बड़े कॉमनली बालों में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे अभी स्विमिंग के लिए भी जाना शुरू कर देंगे तो स्विमिंग के साथ भी बहुत से फंगल इन्फेक्शंस, बहुत से स्किन इन्फेक्शंस बच्चों के अंदर भी आने लग जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर उर्मिला, जिस तरह से आपने खुद भी कहा अब खवातीन के तो मसले होते हैं, लेकिन मर्द हज़रात नॉर्मली इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सनब्लॉक का इस्तेमाल है या सूप का इस्तेमाल है, हम अपनी स्किन टाइप के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, ओवर द काउंटर चीज़ें ले लेते हैं। सो स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है या सनब्लॉक का इस्तेमाल है, वो खवातीन और मर्द दोनों के लिए ज़रा हमें देखने वालों को क्लियर कर दें कितना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, देखिए जो मर्द हजरात हैं उनका तो ज़्यादा एक्सपोजर होता है, वो तो ज़्यादा बाहर टाइम गुजारते हैं, दफ्तर में जाना है, मोटरबाइक पे सवारी करनी है, हेलमेट भी पहनना है, इसके अलावा उनका काम ज़्यादा होता है, पूरा डे लाइट मतलब पूरी जो दिन की रोशनी होती है उसमें वो बाहर ही होते हैं, तो उनको भी स्किन की उतनी ही हिफाजत की ज़रूरत है। ख़वातीन तो शायद इसलिए करती हैं कि अच्छा दिखें, लेकिन जो एक हेल्दी स्किन है उसके लिए, मर्दों को के लिए भी और टीनेजर जो लड़के हैं और जो यूनिवर्सिटी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है कि वो स्किन की हिफाजत करें, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग कोई अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे या स्किन को साफ रखेंगे या मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे या सन ब्लॉक लगा लेंगे तो शायद ये फैशन है या ये कोई ब्यूटी कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि आप मार्केट में जाके जब चीज़ें खरीदते हैं तो आपको समझ नहीं आती है कि आपने क्या प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक अगर आप केमिस्ट पे चले जाओ, फार्मेसी पे चले जाओ तो वहाँ काउंटर भरे हुए होते हैं चीज़ों के साथ, तो आप कभी एक प्रोडक्ट उठाएंगे आपका वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपको सूट नहीं करेगा, फिर आप दूसरा प्रोडक्ट उठाएंगे, तो उससे बेहतर ये होता है कि एक दफ़ा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे पूछ लें कि हमें स्किन की बेसिक जो स्किन केयर होती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें, बहुत फैंसी चीज़ें इस्तेमाल करें या बहुत ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते हैं, बहुत सादी सादी चीज़ें होती हैं, एलोवेरा जेल होती है, इसके अलावा जो सिलिकॉन बेस्ड आजकल जेल्स आई हुई हैं, एलोवेरा जेल्स आई हुई हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, हाइलुरोनिक एसिड के से बनी हुई जो क्रीम्स होती हैं दे आर वेरी गुड मॉइस्चराइजर, सिंपल चीज़ है। और बेहतर ये है कि कंसल्ट हैं वो हमारे पास, हाँ, कंसल्ट कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, डॉक्टर को कंसल्ट कर लें ज्यादा अच्छा है, खुद से बिल्कुल अपने तौर पे ना गाइड कर देगा ना आपके। ठीक है, अच्छा अर्मिला ये भी बताइए, जो इस्लामाबाद में भी लाहौर में भी पोलन एलर्जी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, और जो जिनकी उम्र थोड़ी ख्वातीन की खास तौर पे ज़्यादा हो जाती है उनको ये मसला ज़्यादा होता है, वैसे आम लोगों में भी होता है, यंग एज के अंदर भी होता है, और उससे फिर स्किन आपकी बड़ी डायरेक्टली इफेक्ट होती है। और इसके साथ ही मैं क्लब करूंगा, जो मुख्तलिफ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको भी स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे स्किन पे दाग पड़ जाना, कुछ इस तरह की रैशेज आ जाना, तो इस पे ज़रा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बताइए इसका क्या सोल्यूशन है या आपकी जो एक्सपर्टीज है कैसे इसको हेल्प कर सकती है। इरीटेशन हो रही है तो वो आपको मसाइल का मसले आपको शुरू हो जाते हैं, इसी तरह जो उनके बॉडी फोल्ड्स हैं, गर्दन है या अदर बॉडी फोल्ड्स हैं, वहाँ पे भी अगर छोटा मोटा फोड़ा फिंसी निकल आया तो उसको आम इंसान से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें तो वो बहुत बेहतरीन होता है, बजाय इसके कि आप घरेलू टोटके करो, उस पर हल्दियाँ लगाएं, उस पर तेल लगाएं, ये चीज़ें मत करें, ये अवॉइड करें, खासतौर पर बुजुर्ग लोगों के साथ और बच्चों के साथ। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, आपने बहुत कम वक्त के अंदर हमें बहुत सारी अच्छी मुफीद बातें बताई हैं, आई होप किसी और ने भी दोबारा आपसे बात होगी। डॉक्टर अर्मिला हमें बता रही थी कि आप अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं, विद दैट वो लोग जो कि एलर्जी या किसी बीमारी डायबिटीज़ वगैरह का शिकार हैं उनके लिए भी कुछ हमने कोशिश की कि हम मुफीद राय ले लें। इस पर हम बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लास्ट सेशन में ज्वाइन करते हैं आपको।
वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक उभरते हुए सिंगर अजहर अली मौजूद हैं। इनकी अगर हम जर्नी की बात करें तो 12 साल की उम्र से मौसीकी से वाबस्ता हुए और अपने वालिद साहब से बाकायदा म्यूज़िक को सीखा है, इंस्पायर्ड हैं, और 14 साल की उम्र से लाइव शोज़ करना इन्होंने शुरू किया है नापा में म्यूज़िकल थिएटर, और जो प्रोग्राम्स हैं उनका भी हिस्सा रहे हैं, गाते रहते हैं, अच्छा गाते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए भी काम किया, और अजर OSTs भी कर रहे हैं। अब ये कितने टैलेंटेड हैं बहुत सारे लोग मे बी ना जानते हो, मुख्तलिफ जो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें स्पॉटिफाई है, एप्पल म्यूज़िक है, डीज़र है, अमेज़ॉन है, iTunes है, यहाँ पे सोशल ऐप्स पर भी अजर अली साहब का जो म्यूज़िक है ये मौजूद है। हमने कहा आपसे ज़रा तारुफ कराते हैं। सो अजर इज़ लाइव विद अस फ्रॉम कराची, ऑफकोर्स उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अजर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपको एक्सप्रेसो में हम खुश आमदीद कहेंगे, ज़रूर चाहेंगे कि आपका जो ये म्यूज़िकल जर्नी है आप हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर करें, कैसे आगाज़ हुआ? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड यस आई एम डूइंग ग्रेट, एंड देखें आपके शो के हवाले से तो सुख से आज हम सुनाएंगे कुछ ना कुछ आपको खुश हो। ज़बरदस्त, आपका म्यूज़िकल जर्नी अजय मैंने पूछा कैसे स्टार्ट हुआ, जिस तरह से अभी हम बता रहे थे कि बाल की उम्र से आपने मौसीकी से वाबस्ता हुए, ट्रेनिंग आपने अपने वालिद साहब से ली, फिर आपने लाइव शो भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया, तो ये हाउ डज इट स्टार्टेड? बेसिकली यू नो राइट यू नो कहना तो ये होगा कि इट्स इन माई ब्लड, बिकॉज मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत ही ग्रेट सिंगर साईं खादिम हुसैन साहब उनका नाम है, और उनसे ही उनको ही बचपन से देखा रियाज करते हुए गाते हुए, वो कवाली करते थे, गज़ल करते थे, गीत भी करते थे, तो व्हेन आई वाज 12 मैं थोड़ा सा घबराता था इस मामले में, वाली साहब ने कभी इजाज़त नहीं दी थी इस चीज़ की। अच्छा। लेकिन व्हेन आई वाज 12 और मैं कुछ गा रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ बैठो मुझे सुनाओ कुछ, तो जब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने मुझे पोटेंशियल देखा आई गेस उस टाइम पर, तो फिर उन्होंने मुझे बाकायदा इसकी क्लासेस देना शुरू की। तो सबसे पहले उस्ताद मेरे वालिद साहब भी हैं, उस्ताद खादिम हुसैन साहब। अच्छा। जो कि अभी हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। फिर उसके बाद मैंने उन्हीं के साथ बेसिकली शोज करना शुरू किए, कवालियाँ की, गज़ल की, गाने की। जो स्टार्ट है वो सेमी क्लासिकल और समहाउ क्लासिकल है, ऐसा है? Yes, exactly, right. तो आप हमें कुछ अपना तारुफ अपनी मौसीकी से कराइए ना, हमारे सुनने वालों को जरा अपनी आवाज से अपना तारुफ कराइए। Sure, why not? एक राहत फतेह अली खान साहब का बहुत बहुत जबरदस्त एक गाना है, मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा। जरूर। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, बादलों में सतरंगियां भौवे भोर तलक बरसावे, बादलों में सतरंगियां भौवे नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, वेरी नाइस, नैना ठग लेंगे, नैना 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 ठग लेंगे। Beautiful, beautiful, Azhar. Beautiful, nice. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छा लगा हमें आपको सुन के, आई होप कि सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा। तो आपका जो तारुफ हमने पढ़ा उसमें हमें मालूम पड़ा कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने अभी किए भी हैं, कर भी रहे हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बताइए, अब तक कितना काम किया है और आगे क्या इरादे हैं? जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारे OSTs भी किए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि बहुत सारे ऐसे काम, मैं बेसिकली कंपोजिशन और राइटिंग भी करता हूँ। अच्छा। बहुत सारे टीवी चैनल्स के लिए, बहुत सारे कमर्शियल्स के लिए, वो सारी चीज़ें भी की, फिर काफ़ी सारे ब्रांड्स का काम किया। अभी रिसेंटली मेरा एक ऐड बड़ा माशाल्लाह से 1 million+ उस पर व्यूज से हाशमी के लिए मैंने भी किया था। अच्छा। वो एक रमजान का प्रोजेक्ट था, दैट वॉज वेरी वेरी गुड एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ऑफिशियल साउंड ट्रैक्स आपने ड्रामाज के ओबियसली आप कह रहे हैं किए हैं, तो कुछ सुनाइए ना हमें, कोई अपने अपना कोई ट्रैक सुनाइए हमें। अपना ट्रैक बेसिकली अगर मैं अपने म्यूजिक की बात करूं तो वो मेरे पास 25 सॉन्ग्स हैं जो कि मैंने रिलीज किए हैं यूट्यूब पर भी। उसमें एक पंजाबी गाना है, दैट इज वेरी 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 गुड, मैं आपको वो सुनाता हूं। sure. एक थोड़ा सा यू नो जी माइंड में आ रहे हैं। जी जी थैंक्स। दिल मेरा मेरे कोल रहन दे, मेरे कोल रहन दे, तू हंजुआ दा मोल रहन दे, तू मोल रहन दे, मैं करदा नी प्यार तेनू, धोखा दिता यार तेनू, हाँ तोड़े आए दिल मैं तेरा, वाह वाह, हाथ खाली कश कोल रहन दे, दिल मेरा मेरे कोल रहन दे, मेरे कोल रहन दे। Wow, this is such a dangerous composition. बहुत जबरदस्त अजहर, मजा आया हमें सुन के। टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया, एक तो अच्छा लगा आपसे मिलके। कुछ भी आप इन दी एंड वो लोग जिन्होंने अभी अभी आपको सुना या जो पहले से आपको फॉलो करते हैं उनको कुछ कहना चाहें आप, एंड देन इन दी एंड एक चीज कोई और आपसे सुनेंगे, देन प्रोग्राम बंद करेंगे। मैं बस एक छोटी सी बात सिर्फ ये कहूंगा कि जितना भी हमारे मुल्क में यंग आर्टिस्ट जितने भी आ रहे हैं, जितने भी लोग म्यूजिक करना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उनको सपोर्ट करें। आपके एक लाइक, आपके किसी भी एक बटन को प्रेस करने से जो है, आई डोंट थिंक सो कि आपका कुछ जाता, लेकिन उसको जो अप्रिसिएशन मिलती है आप शायद उसका अंदाजा ना कर सके। yes. तो इन सब चीजों के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगा मैंने जो भी गाया अभी तक आपको सुनाया, तो प्लीज आप यूट्यूब पर भी या गूगल पर भी अगर आप लिखेंगे अजरली म्यूजिक, तो वहां पर मेरे सारे सारे गाने, मेरे सारे प्लेटफॉर्म जहां जहां पर मैं ऑनलाइन रहता हूँ, सब आपको मिल जाएंगे। तो जबरदस्त जबरदस्त, डेफिनेटली आप जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। अजय थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है और हम अपने देखने वालों से तो इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी आप एंड पे गुनगुनाना चाहें हमारे देखने वालों के लिए, हमारी तरफ से तो हम खुदा कर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपके गाने जी शो लाई भी ना गई, तेनी भाई भी ना गई, मेरे मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनी है, जिमें टूटे अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनी है, जिमें टूटे अंबर तो तारा, लाई भी ना गई तेनी भाई भी ना गई, तेनी भाई भी ना गई, तेनी भाई भी ना गई।